हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट मैंने इतने नेवल चीफ से लेके जो है मैंने अलग अलग फील्ड से लोगों को लेके आया हूँ। आज लेके आया हूँ सर्विंग नेवल ऑफिसर। जी हाँ, सर्विंग नेवल ऑफिसर देवदत्त शर्मा, मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं। गांव है खरबला, सीसर खरबला, हिसार जिले का। गाँव से 10th तक इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, हरियाणवी से, फिर 11th 12th के हिसार से हरियाणवी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश मीडियम। शुरू में टोटल फेलियर, 5 बार एनडीए का एग्जाम दिया, कभी पास नहीं किया। आईआईटी AIEEE कहीं पास नहीं किया, और एक मामूली से इंजीनियरिंग कॉलेज से इसने इंजीनियरिंग की। लेकिन वहां पर कैसे लाइफ चेंज हुई देवदत्त शर्मा की, और कैसे इनका इन्होंने अपनी तैयारी करी, कोई कोचिंग नहीं, नो कोचिंग एट ऑल, और इन्होंने इनका सिलेक्शन नेवी में हुआ। फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हो गया आर्मी के लिए, बट नेवी में इनका सिलेक्शन हो गया। तो किस प्रकार गांव में रहते हुए ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिज SSB, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। कमाल की बात क्या है, ही इज अ यंग ऑफिसर सर्विंग अभी भी, नेवल एकेडमी में पोस्टेड है इंस्ट्रक्टर। इन्होंने 35 दिन में 35 मैराथन दौड़ी, पूरे हरियाणा को कवर किया। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ही विजिटेड, 1500 किलोमीटर दौड़े है। और उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा है, ओनली कॉम्बैट सोल्जर, पूरी दुनिया में एक कॉम्बैट सोल्जर है जिसने 82 डेज 82 मैराथन, 82 दिन में 82 मैराथन दौड़ी है इसने। एंड अभी इनका प्लान है 365 डेज 365 मैराथन अक्रॉस इंडिया। तो मैंने बहुत कम इतने इंस्पायरिंग यंग ऑफिसर देखे हैं, और जो है जिनकी जिंदगी गांव के जोड़ से स्टार्ट हुई, गांव के तालाब से, गांव के खेत से स्टार्ट हुई। एंड टुडे ही इज अ वेल नोन फिगर इन इंडिया एंड अब्रॉड, और अभी तो यंग है, अभी तो बहुत लाइफ आनी बाकी है। सो लिसन टू हिम। आप अगर गांव में हो, गांव कहीं का भी हो, चाहे कारगिल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे आंध्रा, हरियाणा, राजस्थान, असम, मणिपुर, कहीं का भी हो, गांव देहात के लड़के लड़कियां ऑफिसर बन सकते हैं। प्रॉब्लम इफ यू कैन वर्क हार्ड, अगर आप सेल्फ ऑडिट कर सकते हो, अगर आप हार्ड वर्क कर, देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो प्लीज लिसन टू हिम, ये देखो, और ये हर एक को देखना चाहिए, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, लड़के लड़कियों को, गांव देहात के माँ बाप को भी देखना चाहिए कि ऐसे हीरे हमारे गांव देहात में अवेलेबल हैं और हम लोग उनको तराशेंगे। सो वंडरफुल पॉडकास्ट, टॉकिंग टू देवदत्त शर्मा, सर्विंग नेवल ऑफिसर, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग यंग ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो वॉच दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। जय हिंद। देवदत्त शर्मा, व्हाट अ प्लेजर इट इज टू होस्ट यू ऑन मोर टॉक्स। तुम नौजवान पीढ़ी के, हमारे गांव देहात के उन ऑफिसर्स में से हो जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। सर, प्लेजर इज ऑल माइंड सर. वी आर ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर टू कनेक्ट, बट फाइनली इट इज हैपनिंग राइट नाउ. या फाइनली इट्स हैपेंड राइट नाउ। और कुछ यस महीने पहले आप आए थे यहाँ, हमने छोटा सा साइकिलिंग भी इकट्ठे किया था, आई मेट यू पर्सनली। उसके बाद मैंने आपके आयरन मैन में आपका पार्टिसिपेशन देखा है, और मैराथन दौड़ के जो आप कूल डाउन करते हो वो कमाल करते हो, ये कैसे है ये सब। सर, ये एक्चुअली कहते हैं ना, लोगों की जो आदतें होती हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंसान कैसा बनता है. तो जब हम गांव में रहते थे तो बचपन से ही हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो सुबह गांव के सारे बच्चे उठकर रनिंग वगैरह के लिए जाते थे. तो उसी टाइम से ये हैबिट बनी हुई है. और लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऑल 3 मील्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीडे एक्टिविटीज. और लाइक रनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ एवरी डे. ग्रेट, सो वहीं से पिकअप किया सर. वेरी गुड। तो मैं जो है ना, ये अब तुम्हारे बचपन पे आना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव है खरबला, ये सिसर खरबला एक ही है, सिसर खरबला। सर, दोनों गांव अलग अलग हैं, बस बीच में एक रोड है जो डिवाइड करता है दोनों गांव को. बट वैसे अगर आप कह सकते हैं तो साथ में ही दोनों गांव का नाम आता है, तो एक ही गांव कह सकते हो आप. अच्छा, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, बस एक रोड है जो दोनों गांव को अलग करता है. तो ये बताओ, तुमने हिंदी मीडियम से गांव के स्कूल में पढ़े हो तुम, वो जरा डिस्क्राइब करो अपनी शुरू शुरू की लाइफ। आपके फादर क्या करते थे, और आप गांव के स्कूल में कब तक पढ़े, कैसी थी आपकी शुरू की लाइफ। तब तो कोई सोचा नहीं था कि आप ऑफिसर बनोगे, वो भी नेवी में। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर. माई फादर वॉज ए फार्मर, वो बिल्कुल किसान थे सर. एंड ही एक्सपायर्ड इन 2004 व्हेन आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड.
सो मेरी फैमिली में मेरे जो रिलेटिव्स हैं, चाचा लोग हैं, सो देवर ऑल इन आर्मी। सो अभी दो चाचा जो रिटायर हो गए हैं, वन स्टिल सर्विंग राइट नाउ। सो गांव में से सरकारी स्कूल से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, तो वही अपना जो गांव में रहता है कि नीचे वहां पे गांव में तो फैसिलिटी होती नहीं, बेंच वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती, अपने फर्श बिछाते हैं, सुबह आते हैं फर्श झाड़ झाड़ के बैठते हैं। तो ऐसे माइनर सी फीस होती थी सर, 20-25 रुपए फीस होती थी, ठीक है। तो इंग्लिश तो आप दूर की बात है, हिंदी में हम बात नहीं करते थे गांव में। तो 10वीं तक मैंने मेरी पढ़ाई सर गांव के सरकारी स्कूल से की, उसके बाद में फिर मैं हिसार गया। हिसार में मैंने 11th 12th किया इंग्लिश मीडियम से, ट्रांजिशन फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम वॉज, आई वुड नॉट से हिंदी मीडियम, इट वॉज हरियाणवी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। पहले हाँ नहीं, वो पहले गांव के स्कूल पे आओ, फिर मैं आपका कॉलेज का, और हरियाणवी से हिंदी मीडियम, हिंदी से इंग्लिश मीडियम, और हाँ गांव में सर, जोड़ भी नहीं, गांव में हमारे जोड़ भी नहीं, और तुम नेवी में चले गए, इसकी बाद में बात करेंगे। ये भी एक कमाल की तुम्हारी जिंदगी है देवदत्त। पहले ये बताओ, मैं भी एक साल पढ़ा हूँ गांव वाले स्कूल में, जहाँ वो मैट झाड़ के उस पर बैठते थे, और जो है तुम्हारे टाइम पे 20 रुपए फीस होगी, तुम्हारे टाइम पे 20 पैसे फीस थी, और मेरी दादी तब स्कूल को मदरसा कहते थे, ठीक है, अब हाँ सर, मदरसा कहना थोड़ा सा डेरोगेटरी हो गया हमारे देश में, बट सर स्कूल को मदरसा कहते थे, हम भी थोड़ा सा टाइम पढ़े हैं। तो वहां का माहौल बताओ, टीचर कैसे होते थे, आज भी क्या स्कूल वही है या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, और स्कूल की कुछ बात सर अपने गाँव की। हाँ सर टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गांव में तो स्कूल बहुत कम है, जैसे आप अगर थोड़ा सा शहर के पास में जाते हैं, मेन हाईवे पे बहुत बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, तो बसेस की फैसिलिटी हो गई, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, एक ही टीचर होता था जो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता था, वही टीचर आपको मैथ पढ़ाएगा, वही आपको सोशल साइंस पढ़ाएगा, वही आपको इंग्लिश पढ़ाएगा। सो दिस यूज टू बी द ट्रेंड दोस डेज। और पढ़ाता भी था या बीच में बालक जाते हैं कि चल जी लासी सर, ले आते हैं, सर आपके लिए लासी ले आए, आपके लिए 5 रुपए की वो रोटी ले। ट्रेंड बिल्कुल, वो ट्रेंड बिल्कुल रहता था सर, हाँ कि अगर कोई टीचर है उसके घर पे मतलब दूध वगैरह नहीं है, तो जो बच्चे होते थे, तो वो अपना जब हमारी आधी छुट्टी होती थी जिसको हम रिसेस बोलते थे, तो उसमें वो एक अपने जग वगैरह में दूध या उनको लस्सी वगैरह लेके आते थे टीचर को खुश रखने के लिए, ताकि डंडे वगैरह कम मारे। और जब सर्दियों का टाइम होता था सर, सर्दियों का टाइम होता था, तो हमारे क्या होते, जो कपास की खेती होती है, तो कपास कट जाती है और उसके बाद जो लकड़ी बचती है ना, तो उसके ढेर लग जाते हैं साइड में। और टीचर क्या करता था, एक बंदे को नॉमिनेट करता था कि भैया तुम जाओ और एक अच्छा सा डंडा ढूंढ के लाना, उसमें जो ढेर लगाना लकड़ियों का, जिसको हम बेसिकली हरियाणा में बछंटी का बोलते हैं, मरेडा बोलते हैं हाँ, बेसिकली, हाँ बचंटी बचंटी, हाँ बछंटी मरेडा, तो वहां से लाओ। तो मैं उनमें से रहता था सर, थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है कि जाओ भाई देवदत्त तुम ढूंढ के लेके आओ, एक अच्छा सा डंडा ढूंढ के लेके आओ, उस डंडे से पिटाई करते थे। तो बहुत पीटते थे सर बचपन में, बहुत ज्यादा पीटते थे मर्सीलेसली, दबा के सर। कोई कोई ह्यूमन राइट अब्यूज नहीं था तब बालकों, और माँ बाप भी हाँ कहते थे सर, मारो मारो इसको और मारो, है ना। हाँ सर। और ड्रेस का क्या रहता है, अगर मैं ड्रेस कोड पे आता हूँ सर, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड रहती थी? गांव में गरीब बच्चे हैं, तो चप्पल में हमारा, जैसे अभी तो जूते वगैरह आ गए, तो चप्पल में हम जाते थे, ठीक है। ड्रेस में अगर पहन ली तो ठीक है, कहीं से अगर फट गई तो रफू लगा लिया, तो इस तरीके से मतलब बचपन जिया। बड़ा बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग दिन थे सर वो। अच्छा, तो 10वीं हाँ हाँ आपने वहां हाँ से की, गांव से, सर, 10वीं गांव से की सर, क्या परसेंटेज थी आपकी 10वीं में? 10वीं में रहा सर 94% सर। वो बॉय रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने खरबला का, गांव के स्कूल से 94%। नहीं सर, और बच्चे भी थे, और बच्चे भी थे जो मतलब ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, बट हाँ आई वॉज इन यू नो टॉप 3 टॉप 5। वेरी गुड, बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, तब ये हाँ तो सर, तुम्हारे स्कूल में कोई हॉबी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई कुछ होता था? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नाम की चीज नहीं होती थी, कोई लाइब्रेरी नहीं होती थी, कोई कंप्यूटर लैब नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। जैसे ही एग्जाम के 3 महीने बच गए, तो टीचर बोलते थे भाई अपने बोरी बिस्तरे हैं, अपने घर से उठा के स्कूल में ले आओ, आखिरी के 3 महीने इधर ही रहेंगे, इधर ही पढ़ना है। और एक टीचर रहता था सर मैथ का, टीचर स्पेसिफिकली, उसको इंचार्ज बना दिया जाता था कि इनकी बड़ी बढ़िया से इनकी कुटाई करो, ठीक है, तो इनका बोर्ड में इनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि गांव में जनरली उस टाइम पे ट्रेंड रहता था सर कि पर्चे वगैरह छिपाएंगे कि स्कूल से कितनी मेरिट आई, तो ट्रेंड रहता था। अभी भी है, बट उस टाइम पे तो बहुत क्रेज रहता था। तो उस टाइम पे एग्जाम से 2-3 महीने पहले अपना पूरा सर्दियों के रजाई वगैरह बिस्तर वगैरह ले जाके स्कूल में सेट करो, और घर से खाना खाओ, और उसके बाद में खाने के अलावा आपका पूरा टाइम विल बी एंगेज इन द स्कूल। पढ़ते रहो बस। नो स्टेज एक्सपोजर, नथिंग सर, कुछ नहीं होता था, ओनली पढ़ाई करनी, बस मेरिट में नाम आना, दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ हेडमास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। वाह, कमाल है देवदत्त, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, उसके बाद जब 10वीं में इतने नंबर आ गए, फिर क्या डिसाइड किया आपने? आपके फादर थे नहीं तब, है ना? तो सर माय माय अंकल दैट टाइम ही वाज नायब सूबेदार इन ईएमई,
एंड उसके जो चाचा के दो बच्चे थे सर, दे आर बोथ आर एल्डर टू मी, वन इज अराउंड 1 ईयर एंड सेकेंड इज 2 ईयर्स। तो लगभग हम तीनों एक क्लास में थे, तो चाचा की पोस्टिंग आ गई थी, पहले दिल्ली में थे वो, चाचा की पोस्टिंग आ गई, तो बोला कि भाई तीनों को हम एक स्कूल में पढ़ाएंगे हिसार, सो दे प्लान टू सेंड अस इन हिसार। सो वहां पे अभी ये डिसाइड किया भाई कौन सी ब्रांच लेनी है, मतलब नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो गाँव में तो सर एक जनरल ट्रेंड रहता है कि भाई आपके 90% 80% मार्क्स आ गए तो आपको नॉन मेडिकल लेनी हाँ, नॉन मेडिकल लेने। है ना हाँ सर, नॉर्मल ट्रेंड रहता है। तो फिर हिसार में सर हम एडमिशन लिया हमने तीनों ने, विश्वास इंटर सेकेंडरी स्कूल हिसार में। तो जो हिंदी मीडियम में हम सर उस टाइम पे पढ़े थे, गोइंग टू हिसार, देन नो अंग्रेजी की किताबें पढ़ना, इतनी मोटी मोटी प्रतीक की बुक्स होती थी वो पढ़ना, वो तो सर पूरा दिमाग से बाहर गया। और 11th में आई स्कोर 53% मार्क्स, ओ माय गॉड, आधे आ गए फिफ्टी सीधे थ्री टेंथ के आधे हो गए बाद। सर, सीधे आधे हो गए, ठीक है सर। और उसके बाद में अगेन 12th में आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन स्टडीज, एंड इन 12th आई स्कोर अराउंड 71%। अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ मतलब ठीक ठाक डिसेंट से मार्क्स आ गए थे, बिकॉज दैट टाइम रिजल्ट ऑफ स्कूल वाज आल्सो, मतलब एवरेज रिजल्ट वाज 65%, तो ठीक था 71। उसके अलावा सर आई टेक यू मतलब 4 5 साल पहले, तो जब हम गांव में स्कूल में जाते थे, तो उससे पहले हम खेत में जाते थे सुबह, वहां से चारा वगैरह लेके आते थे। चारा लाने के बाद में जो अपने जानवर हैं, भैंस वगैरह गाय वगैरह, उनको तालाब में लेके जाते थे, बेसिकली जोड़ बोलते हैं जिसको हरियाणवी में, हाँ, जोड़ में। हाँ हम जोड़ बोलते हैं, जोड़ में ले जाके उनको नहला धुला के, उसके बाद में पहले खुद तालाब में नहाते थे, फिर वापस आके नहा के फिर स्कूल में जाते थे। और जब कभी लगता था कि हाँ भाई आज तो मैथ का काम नहीं किया तो आज टीचर पकड़ेगा, तो अगर पशु तालाब से बाहर निकला तो हम उसको वापस करते, भाई वापस जा, स्कूल में जाने का मन है, आज तेरे को बाहर नहीं निकलना। तो फिर उसके बाद में सर पेरेंट्स आ जाते थे कि भाई स्कूल का टाइम हो गया, इनको फटाफट बाहर निकाल लो, बाहर कार्ड लेने स्कूल का टाइम हो आप गया। स्कूल का हाँ टाइम बाहर कर लेना है आज। हाँ सो हाँ दैट वाज द ट्रेंड। तो बड़े मतलब बचपन के दिन बड़े इंटरेस्टिंग थे सर, उन्हीं की बदौलत, तो उन्हीं संघर्ष के चलते चलते हम मतलब यहाँ तक पहुंच पाए। तो फिर ये जब कॉलेज में आपने 12th कर लिया, तब कोई आइडिया था देवदत्त कि यार तूने क्या करना है जिंदगी में? कभी था कि अफसर सर बन जाओगे? कभी ये था, सोचा था उस टाइम पे? ये बिल्कुल सोचा था सर, जब हम 12th में थे तो लाइक माय अंकल वाज इन आर्मी, सो जो चाचा का बड़ा लड़का था, ही वाज हैविंग गुड एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्टार्टिंग, ही स्टडीज ही डिड स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल एंड आल्सो ही वाज हैविंग गुड एक्सपोजर ऑफ, एंड ही वो ही गॉट सिलेक्टेड फॉर सैनिक स्कूल आल्सो। तो वहां से फिर वो छोड़ के आ गया, घर वाले बोले भाई मन नहीं लग रहा है तो उसको वापस ले आते। तो ही वाज फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड ही वाज यू नो रीडिंग द हिंदू सर दैट ओके टाइम। अच्छा। हाँ तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल वाज अमेजिंग, तो 10th में भी उसके 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आए थे, 12th में भी 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आए थे। तो उसके बाद में ही क्लियर एनडीए एग्जाम, ही अपेयर फॉर एनडीए, ही क्लियर एनडीए एग्जाम, बट वो वहां से स्क्रीन आउट हो गए। तो फिर हमारे अंदर भी थोड़ा सा ये लगा सर कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है लाइक अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है बट वी शुड ट्राई। तो फिर वी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम सर, तो 5 बार मैंने एग्जाम दिया, क्लियर ही नहीं हुआ। 5 बार एनडीए दिया, क्लियर नहीं पास हुआ। बार एग्जाम दिया, एग्जाम रिटन क्लियर ही नहीं हुआ और उसका क्या रहा चाचा के लड़के का जो क्लियर उसका सर, किया? उसका फिर नहीं हुआ सर, वो स्क्रीन आउट हो गया था वहां से। तो देन ही डिड बीएससी ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम डीयू, देन ही ट्राइड फ्रॉम सीडीएस आल्सो, सीडीएस से ही गॉट रिकमेंडेड, देन उससे कुछ मेडिकल इशू था सर कान के पर्दे में, ही वाज हैविंग सम हेयर लाइन उसके छेद था कान में, तो ही गॉट मेडिकल आउट, बट मेरिट लिस्ट में उसका नाम था, ड्यू टू मेडिकल रीजन He could not ही join. गॉट आउट। He could not join. हाँ सो राइट नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग मतलब ही इज एडवोकेट राइट नाउ द्वारका हाई कोर्ट, सो इज प्रैक्टिसिंग। सो आफ्टर आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स ही डिड एलएलबी फ्रॉम डीयू आल्सो। तो अच्छा, तो तुम्हारा फिर क्या रहा? तुम्हारा एनडीए नहीं हुआ, फिर तुमने क्या डिसाइड तो किया? सर फिर ये होगा कि 71% मार्क्स आए हैं, तो भाई अभी क्या किया जाए, अभी तो कहीं एडमिशन भी नहीं होना, बिकॉज आप कहीं बीएससी में एडमिशन लोगे, कहीं बीए में लोगे, तो कट ऑफ इज गोइंग मोर देन 80%, तो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। सो देन समहाउ फिर सर आईआईटी का एग्जाम दिया, ठीक है उसमें रैंक पता नहीं लाखों में, शायद उन लास्ट वाले बच्चों में मैं ही होऊंगा कितने लाखों में थी। देन AIEEE का एग्जाम दिया, उसमें भी कोई सक्सेस, इट्स ऑल फेलियर सर, ठीक ऑल है आई फेल। गेस ऑल फेलियर। टिल 12th आई वाज कंप्लीटली यू नो डिसअपॉइंटेड कि भाई आगे लाइफ में क्या होने वाला है। तो देन समहाउ चाचा बोले भाई यू शुड टेक एन एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज, जहाँ पे जाके तुम अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेना। तो आई वॉज हैविंग वन थिंग इन माइंड सर, जस्ट अ सेकेंड, आई वॉज हैविंग वन थिंग इन माइंड कि भाई फौज में जाना है, बट क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता तब भी तुमसे एग्जाम क्लियर ना हो, वो एक नेगेटिविटी आपके साथ में चलती है सर। तो आई थॉट कि आई विल डू बीटेक एंड आई विल ज्वाइन आर्म फोर्सेस थ्रू यूएस एंट्री,
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की। सो वो मैंने सोचा था, तो अराउंड हिसार से अराउंड 90 किलोमीटर अवे देयर वाज वन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, वहां पे मैंने एडमिशन लिया। एंड वहां से मेरी जो जिंदगी है सर वो बिल्कुल मतलब तरीके से बदल गई। अच्छा, ये क्या हाँ, कैसे बदली है बताओ। तो सबसे पहले सर आई केम इन कॉन्टेक्ट विद वन एक्स सर्विस मैन, ही वॉज स्विमिंग कोच ओवर देयर। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि भाई स्विमिंग की फीस लगेगी 1,000 रुपये महीना। जो जो बंदे सर जिन्होंने गांव के जोहड़ में तालाब में इतने गंदे पानी में नहाए हैं, जानवरों को नहलाया है, उन्होंने स्विमिंग पूल पहली बार देखा है, तो वो तो मतलब अलग ही लगेगा कि भाई ये दुनिया अलग ही है। तो उसके बाद में आई केम इन कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन सर, एंड ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, ही वॉज इन टू योगा एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने मुझे पहले दिन बोला कि भाई देखो यहाँ पर स्विमिंग का है ना, एक देर इज वन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे पास में, कॉलेज के पास में देर इज वन आर्य समाज मंदिर, ठीक है, जहाँ पे हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। तो जो भी बच्चे हर संडे को मेरे साथ उस आर्य समाज मंदिर में जाएंगे हवन यज्ञ के लिए, तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक अच्छा। है। दैट वॉज लॉटरी। हाँ, नहीं तो आपको 1,000 रुपये की पर्ची कटवाओ महीने की, फिर आप स्विमिंग सीखने आओ। तो सर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार वहां पे गांव में तो इतने गंदे पानी में हम नहाते थे, यहाँ स्विमिंग पूल में इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, इतना यहाँ में तो सुथरा नहाने पानी, का, एकदम नीला उसमें पानी, बढ़िया। नहाने का हाँ। तो उसमें अलग ही मजा आएगा। और फिर मैं गया सर, उसने सर ने बोला कि यू जस्ट गो आउट एंड यू नो 10-15 लोगों को बुला के ले गया हो, हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा देंगे। वहाँ पे आर्य समाज मंदिर में बेसिकली क्या होता था सर, आफ्टर डूइंग दिस यज्ञ यज्ञ एंड हवन, उसके बाद में वी यूज टू यू नो डू ग्रुप डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल टॉपिक्स ओवर देयर। ओह, वेरी नाइस। लोगों अच्छा। की माइंडसेट है कि आप वहां पे जा रहे हो, इस रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, ब्रह्म हाँ समाज, आर्य समाज, ये सब बकवासे हैं, बट वो हमारा इतना इफेक्टिव था सर। हम पाकिस्तान के मुद्दे चल रहे हैं उस टाइम, और पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं, और भी जो भी इंटरनेशनल चीजें चल रही हैं, वो हम वहाँ पे एज ए ग्रुप डिस्कशन हम करते थे, बिकॉज सारे यंगस्टर्स आ रहे थे वहाँ पे। एवरेज एज यूज टू बी 23-25। तो वेरी गुड। फिर मैं पहले दिन सर मतलब 15-20 बच्चों को मैंने वहाँ पे इकट्ठा किया कि भाई चलो दिस इज द ऑफर, एंड हम हर रोज स्विमिंग करने चलेंगे, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी। तो 10-15 बंदों को ले गया सर, वो अपने फौजी आदमी, उन्होंने सबको उल्टा लटका दिया, चलो भाई गेट वर्टिकल। तो उन्होंने अपने प्रसादी से डंडे, उन्होंने बोला था भाई मैंने तुम्हें बोला है 5 बजे आने के लिए, तुम तो 5:30 बजे आए हो, ठीक है। तो सर अगले दिन 15 बंदे थे, 15 बंदों में से मैं ही अकेला था, तो अगले दिन आया, 14 के 14 नहीं आए अगले दिन। नाट गए बिल्कुल। वो नाट गए सर, बोला भाई हम नहीं आएंगे, हम डंडे नहीं खाएंगे ठंड में सुबह सुबह। तो फिर उन्होंने सर बोला कि भाई मैं यही देख रहा था। तो फिर उन्होंने सर धीरे धीरे मेरे को छोटी छोटी किताबें, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, सेलिबेसी से रिलेटेड, हाउ टू फोकस ऑन योर फिटनेस, तो ये चीजें उन्होंने मेरे को धीरे धीरे मतलब सिखाना स्टार्ट किया। ही वॉज यू नो हैविंग लॉट ऑफ बुक्स, मोर देन 500 बुक्स ही वॉज कैरिंग विद हिम। तो वहां से मेरे को सर बुक्स की आदत पड़ी। तो फिर सर ने बोला कि भाई तू एक काम कर, यहाँ पे टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, तो अपने हेड शेव कर ले, ठीक है, अच्छा। ताकि मतलब है ना लड़कियों वड़कियों से दूर रहना, अपना पूरा फोकस रहना चाहिए। तो सर मैंने वहां पे अपना हेड शेव करके, चलो भाई अपना रूटीन सेट कर दिया सर। तो एवरी डे आई यूज तो टू गो देवदत्त, टू, स्वामी हाँ देवदत्त बन गया। सर, काइंड वाई वॉज स्वामी देव स्वामी देवदत्त। सो एवरी डे सर 0400 आवर्स इन द मॉर्निंग आई यूज टू बी इन स्विमिंग पूल, 0400, जीरो कमाल है। फोर जीरो जीरो आवर्स ये आई कौन यूज से टू साल की बी, बात है, कौन से ये साल सर की बात? 2012 की बात है सर, 2012 जुलाई। अरे, मैं ब्रिगेडियर था तब यार। माइट बी सर, आई एम टेलिंग यू, 2012 आई वाज। अच्छा, वो ये तो अभी कुछ हाँ दिन सर, पहले की बात लग रही है जैसे। 2012 आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग सर, एंड 2016 आई कंप्लीटेड। सो एवरी डे 0400 आवर शार्प आई यूज टू गो टू द स्विमिंग पूल, और सर अपना ऑलरेडी रूटीन करके रेडी होते थे, एंड ही यूज टू टेक मी फॉर योगा क्लासेस एंड ऑल। वहां से थोड़ा बहुत मैंने सीखा। उसके बाद में स्विमिंग के लिए बोलते थे भैया चलो ऐसे स्विमिंग सीख लो, बट आई वॉज वेरी लकी दैट आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हिम, आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद हिम, बट वो एक महीना ही रहे थे, उसके बाद में ही गोट नो ट्रांसफर आउट लगा सकते और उन्होंने छोड़ दिया। बट वहां जो अरे, उन्होंने न्यू सेट की थी ना सर, ही टोल्ड मी कि दिस इज द रूटीन 0400 आवर शार्प यू गेट अप, उसके बाद में रात को 10 बजे अपना बिस्तर बंद करके सोना है, ठीक है, और नीचे सोना है, ठीक है, कोई वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं कुछ नहीं, अपना नीचे सोना है। तो सर मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के अपना रूटीन करके उनके जाने के बाद में, जब तक वो थे तो 4 बजे मैं वहां पर सीधा पहुंच जाता था। उसके बाद में 4 बजे उठ के अपना रूटीन करके 4:30 बजे तक, उसके बाद में आई यूज टू कम टू फील्ड, वहां पे रनिंग करके योगा करके वो रूटीन खत्म करके आई यूज टू गो बैक टू माई हॉस्टल। उसके बाद में 1-1.5 घंटा की विच ऑल एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन टूडे, तो वो मैं करता था, पूरा प्लान बनाता था, और क्लासेस जाता था, किसी क्लास में अगर पढ़ने का मन नहीं है तो वहां से बंका मार के आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी स्ट्रेट, बंका मारा लाइब्रेरी, बिकॉज 70% वॉज द मिनिमम अटेंडेंस यू हैव टू मेंटेन सर।
तो आप 100 भी करें तो आपको कुछ उसका एक्स्ट्रा वो मिलने वाला नहीं है. व्हेन यू आर फीलिंग दैट क्लास इज नॉट गोइंग, यू नो, अच्छे से नहीं जा रही, तो यू जस्ट टेल द इंस्ट्रक्टर एंड गो टू लाइब्रेरी. तो मैं ऐसे करता था सर. एंड उसके बाद में हरियाणवी मीडियम था, देन आई शिफ्टेड टू हिंदी मीडियम. आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज पेपर. आई यूज टू रीड न्यूज पेपर फॉर 8 आवर्स. बॉय गुड. 8 8 घंटे से मैंने न्यूज पेपर पढ़ा है. तो स्टार्टिंग के 1 साल में तो आई स्टार्टेड, यू नो, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जो हम पढ़ते थे, ये तो हम गांव में भी पढ़ते थे. उसके बाद मैं स्टार्टेड विद टाइम्स ऑफ इंडिया. सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग के 5 6 महीने मुझे कुछ नहीं पता चला कि भाई ये बंदा कह क्या रहा है, ठीक है. बट सर आई कंटिन्यूड. आई आई थॉट कि भाई अगर फौज में अफसर बनना है कि यू शुड हैव, यू नो, गुड कम्युनिकेशन स्किल. दैट इज द बेरे मिनिमम रिक्वायरमेंट. बाकी चीजों की गांव के बच्चों में सर कोई कमी नहीं है. द यही थिंग मैं विच कहता दे लैक हूं इज कम्युनिकेशन देवदत्त, स्किल. यही मैं कहता हूं, जल्दी छोड़ देते हैं. मैं ही कहता हूं हाँ तुम्हारे सर, में बहुत स्किल है ठीक यार, है बड़ी सर. दम है. मुझे ये पता था कि भाई ये तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. या तो इसके अंदर तुम रम जाओ या तुम इससे बाहर आ जाओ. तो मैं सोचा कि भाई कभी ना कभी तो समझ आएगा ये, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए. तो उसके बाद में सर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना स्टार्ट किया. उसके बाद में आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस. आता नहीं था कॉलेज में. आई रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल कि सर इंडियन एक्सप्रेस आना चाहिए. हिंदू नहीं आता सर, इस आउटस्कर्ट राजस्थान के उसमें है ना, तो हिंदू आता ही नहीं है. बिकॉज हमारा हिंदू आता है चंडीगढ़ से, ठीक है. तो अगर आपके पास आएगा तो वो 1 दिन का लेट आएगा. एक दिन तो लेट मैंने बोला सर आएगा. 1 दिन का लेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर मंगवाना स्टार्ट कीजिए. तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ना स्टार्ट किया. देन आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस, चीजें समझ आई. देन द हिंदू. देन आफ्टर अराउंड 1 1/2 ईयर तो 1 दिन में तीनों न्यूज पेपर पढ़ता था सर, जहाँ पे 1 दिन में एक नहीं पढ़ा जाता था. देन आई, यू नो, रीडिंग ऑल 3 न्यूज पेपर्स इन सिंगल डे. वेरी नाइस. हाँ. तो इसके बाद में सर सेम चीज, जैसे ही आपका वर्किंग आवर्स खत्म हुआ कॉलेज का, उसके बाद में अगेन सेम रूटीन. देर वॉज नो डिस्टर्बेंस, नो डेविएशन. एवरीथिंग वॉज प्लान, एवरी सिंगल मिनट वॉज प्लान ऑन 24 आवर्स. उसके बाद में आए, आने के बाद में अगेन 1 1/2 आवर स्टडी. उसके बाद में फिर 1 1.5 घंटा जाओ भाई, अपने बैडमिंटन खेलना है, रनिंग करनी है, जो करना है. बिकॉज बैडमिंटन तो बहुत बहुत महंगा आता सर उस टाइम पे, ठीक है. तो अपना रनिंग वो द बेस्ट ऑप्शन. रनिंग जाओ, योगा इसमें करो, कोई पैसे नहीं कोई लगते पैसा नहीं लगता सर, ठीक सर. है, कोई पैसा जूते नहीं सर, लगता. जूते होने हाँ, चाहिए. जूते भी, अगर आपके पास जूते भी नहीं है ना सर, वहां पे ग्राउंड इतना अच्छा था घास का, बिना जूते भाग लो भाई, चप्पल में चले जाओ हाँ तुम, हाँ ठीक है, और आप उघाड़े पहन उघाड़े दो. पैर आप वहां पे दौड़ लो. सो दिस इज द बेस्ट ट्रेंड सर. तो 1 1.5 घंटा शाम को ये वर्कआउट करने के बाद में चेंज करके फटाफट नहाए धोए, डिनर किया अगेन, अब फिर अपनी पढ़ाई करने बैठना सर. सो 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एवरीथिंग वॉज प्लान. और कोई डिस्ट्रैक्शन था लड़कियों का, बॉयज का, मतलब कि इसका ऑप्शन ही नहीं था सिगरेट पी सर. सर लो, इस एज में होता है, पैग लगा लो, सर वो ये कर लो. डिस्ट्रेक्शन होते हैं. डिस्ट्रेक्शन आपके पास था, बहुत जगह आपके पास दो दो पैसे होंगे, पैसे थे ही नहीं सर, है ओ ना सर. आपका कुछ खाने को मन करेगा, सिगरेट पीने को मन करेगा, लेकर कंज्यूम करने को मन करेगा, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहाँ से ले वो करोगे. बट एक चीज थी सर, फेलियर का इतना दिमाग में ये था कि भाई अगर अभी नहीं किया ना तो इसके बाद जिंदगी में जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी. तो यही टाइम है करने का, बाकी चीजें तुम सारी उम्र पढ़ी है करने के लिए, बाद में कर लेंगे, बट अभी जो चीज जरूरी है वो भी करनी है. सो दैट्स हाउ आई फोकस्ड, यू नो, एंटायर एनर्जी टुवर्ड्स माय पर्सनल डेवलपमेंट. ग्रेट. तो ये बड़ी, तो ये फिर ये नेवी का कैसे हुआ? ये तो आपकी बहुत इंस्पायरिंग है और आज भी रेलिवेंट है. यंग लोग जो देखेंगे इस वीडियो को, आज भी हाँ रेलिवेंट सर. है. फिर ये कब आपने उसके बाद में सर कॉलेज में, मैं आई विल कम टू दिस टॉपिक आल्सो. उसके बाद में कॉलेज में बहुत सारे एक्सटेम्पोर वगैरह होते थे, बहुत सारे स्पीचेस वगैरह होते थे. तो मेरी हिंदी पहले से बहुत अच्छी थी सर, इंग्लिश तो मेरी नहीं थी, मतलब स्पीच मैं हिंदी में बड़ा अच्छा देता था. तो जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया, तो आफ्टर 15 डेज वन स्पीच कॉम्पिटिशन वॉज देयर. सो इन विच 150 पार्टिसिपेंट्स वर देयर. 150 लोग थे पार्टिसिपेंट करने वाले. और टॉपिक, आई स्टिल रिमेम्बर, टॉपिक था अपराधीकरण के लिए मीडिया जिम्मेदार है, दैट वॉज द अच्छा. टॉपिक. हाँ. हाँ, वो चीजें हैं ना सर, ब्यूटीफुल मोमेंट्स यू विल ऑलवेज रिमेम्बर इन योर लाइफ. सो उसका पता लगा सर. देन आई रोट माई ओन स्क्रिप्ट. भाई इंटरनेट से कुछ नहीं लेना है, खुद लिखना है, जितना भी करना है ना खुद. वो मैंने अपना स्पीच था सर, उसको रेडी किया. आई रिहर्स मोर देन 500 टाइम्स. वो जो स्पीच था ना सर, उसका मैंने 500 से ज्यादा बार मैंने उसका रिहर्सल किया, ठीक है. मैं भाई जाऊंगा, आई विल नॉट यूज एनी पेपर इन द फोड़ देना है स्पीच. सीधा. फुल रिहर्सल कि मतलब आपकी रग रग में वो शब्द बस जाने चाहिए, दैट वाज माय कॉन्सेप्ट. हाँ, तो जो स्पीच था उसको मैंने रिहर्स किया सर. और मेरा कॉन्सेप्ट पहले से यही है सर, माय फंडा इज वेरी क्लियर कि व्हेन एवर आई विल परफॉर्म ऑन स्टेज, इट आई विल गिव स्पीच और व्हाट एवर, आई विल नॉट यूज एनी पेपर. तो उसके बाद तो मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में सर दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे के लेक्चर दिए हैं, मैंने कभी पेपर यूज नहीं किया सर.
आप प्रिपरेशन करनी पहले करो स्टेज पे। आप आइदर यू विल बच्चों को या जो भी ऑडियंस है उसको आप चार्जअप करोगे या आप पेपर में देखोगे, दोनों चीजें साथ साथ में नहीं हो सकती। ये हमारी कमाल की है, ये हमारी धरती में है कहीं ना कहीं, बांस और खरबला में। मैंने हाँ भी सर, मिलिट्री स्कूल से जो डिबेट जीतने शुरू किए और सर देश विदेश में इतने लेक्चर दिए, इतनी प्रेजेंट, मैंने कभी सारा कागज नहीं सामने रखा, अपना हाँ सर तैयारी करके जानी है, इवन एज ए बिल्कुल सीनियर सर रैंक तैयारी करके हाँ जानी है। सर ये पेपर करेक्ट पढ़ने सर वाले लोग मुझे बहुत थके हुए लगते हैं कि पढ़ना नहीं शुरू। सर नहीं बिल्कुल हाँ सर हाँ। तो सर फिर उसके बाद में वो स्पीच कंपटीशन हुआ तो उसमें 141 में मेरा नंबर था सर। आप अंदाजा लगा लो कि 150 पार्टिसिपेंट हैं तो 41 आते आते जज भी बेचारे थक जाते हैं कि यार फटाफट इसको खत्म करो बहुत लंबा चल गया है। ठीक है हाँ सर। सो एवरी स्पीकर वॉज गिवन 3 to 5 मिनट्स ऑफ टाइमिंग। तो मैंने आई टू ओनली 45 सेकेंड्स। ठीक है सर 45 सेकेंड में स्टेज पर चढ़ा मैं तड़क भड़क करके आया एंड आई केम फर्स्ट। वेरी गुड। दैट वाज द फर्स्ट मोरल बूस्टर फॉर मी सर कि भाई कॉलेज में आ गए और अभी अच्छा मतलब वो आ गया है कि इफ एनी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज हैपनिंग मे बी जीडी एक्सटेम्पो स्पीच वट एवर उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज सर मेरे पास एक सर्टिफिकेट नहीं था। व्हेन व्हेन आई पास्ड आउट आई वाज हैविंग मोर देन 70 सर्टिफिकेट्स एंड ऑल पोडियम फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड 80% ऑफ फर्स्ट। एक्सेलेंट, डैम हाँ गुड, सर। वेरी इंस्पायरिंग। सो फिर सर दिमाग में मैंने जैसे आपको बताया कि पहले ये था कि भाई एग्जाम तो क्लियर होना नहीं है ठीक है तो यूएस इज द ओनली एंट्री इन विच यू कैन यू नो यू विल गेट योर डायरेक्ट कॉल लेटर एंड फिर फॉर एसएसबी। तो फिर हम वन कॉलेज में एक सीनियर थे सर ही वाज डूइंग एमटेक एंड ही हैज बीन अपीयर फॉर एसएसबी 3 4 टाइम्स अर्लियर ही वाज हैविंग गुड एक्सपोजर। तो उनका नाम नवीन सर है ही वाज माय अभी तो अच्छे फ्रेंड है सर मेरे क्लोज फ्रेंड भाई की तरह मैं उनको मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक टीम बनाएंगे कॉलेज में ना जो डिफेंस एंथुजियास्ट है ना उनका एक टीम बनाएंगे और आफ्टर एवरी डे आफ्टर क्लासेस ठीक है विल इन्वेस्ट 2 3 आवर्स जो भी टेस्ट वहां पे होते हैं और जो भी अपने वीकनेस है। तो फिर हमने सर टीम बनाई हम 4 लोग थे। तो हर दिन मतलब 15:30 हमारी क्लासेस खत्म होती थी कॉलेज की। उसके बाद में हम एक कंप्यूटर लैब थी उसमें बैठते थे और वी यूज टू डिस्कस डिस्कस बेसिकली भाई एसएसबी में टेस्ट क्या होते हैं पीपीटी क्या होती है एसआरटी क्या होती है वैट क्या होती है ना। तो ये चीजें हम सब डिस्कस कर रहे थे वहां पे। तो हमने एक पूरा पैटर्न बना लिया था वीकली प्लान कि भैया इस वीक में हम ये चीज करने वाले हैं ठीक है। तो वो पूरा जो पैटर्न एसएसबी में रहता है सर उसके हिसाब से कि भैया एक स्लाइड मेकर बनाएंगे स्लाइड में हम डालेंगे इतने मिनट की टाइमिंग है उसमें ये लिखेंगे उतना गैप है उसके बाद में सेम थिंग फॉर बैट एसआरटी एंड ऑल। तो फिर उसके बाद में सर व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग जब मैंने मेरी पहली स्टोरी लिखी थी तो उसमें सर 10 लाइनों में से एक भी लाइन ऐसी नहीं थी जो मैं कंप्लीट कर पाया बिकॉज आई वॉज सो पुअर इन इंग्लिश ठीक है। तो वहां से लेके सर ठीक है तो हमने आई वी कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस फॉर अराउंड 2.5 ईयर्स 2.5 साल तक हमने ये एक्टिविटी की। हाँ और सेम चीज फॉर जीडीओ टास्क वहां पे एक लकड़ी का काम होता था लकड़बाड़ा बोलते हैं जिसको हरियाणवी में ठीक है सर। तो इंटरनेट पे फोटोज अवेलेबल थे कि जीडी ऑब्स्टेकल्स कैसी होती हैं ही वाज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सपोजर कि भैया एसएसबी में कैसे होता है। तो वहां से सर हम फोटोज निकालते थे ठीक है कि भैया उस टाइप का हम सिस्टम लेआउट करते थे गड्ढा खोद के उस टाइप का पोल लगाते थे उस टाइप का हम बनाते थे देन वी यूज टू यू नो इम्प्लीमेंट आर आइडियाज। हाँ भाई यहाँ से वहां जाना है ओके दिस इज आइडिया नंबर 1 व्हाट इज आइडिया नंबर 2 व्हाट इज आइडिया नंबर 3 जितने उस इवोल्यूशन को करने के तरीके हो सकते हैं ना सर 4 5 6 7 8 ठीक है हम सारे वी यूज टू डिस्कस। ओके, ग्रेट। एंड हाँ ये हो गया सर मतलब फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज ठीक है। और ये हम सुबह करते थे 5 बजे 5:30 बजे वहां पे लाइटिंग रहती थी ठीक है जहां पे सारी दुनिया सो रही है और हम अपना काम कर रहे हैं है ना सर। तो उसके बाद में फिर अगेन मतलब हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता गया तो हमने जो बाकी लोग एसएसबी दे के आए हैं या उनसे टच में रहते थे उनसे पूछते थे भाई किस टाइप की पिक्चर दिखाई गई उस पर हम पिक्चर पे फिर स्टोरी लिखते थे वो स्टोरी लिख के फिर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टोरी सर कोई हवा नहीं मार नहीं कोई तीर नहीं कोई पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बकवास है कि भाई पॉजिटिव स्टोरी लिखो नेगेटिव जो उसमें है वही लिखना है वही लिखा, जो पिक्चर बता एग्जैक्टली रही कोई है जो पॉजिटिव पिक्चर नहीं बता कोई रही है नेगेटिव अगर नहीं। हाँ हाँ आदमी मरा वो तो भाई मरा हुआ है दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे है ना सर। उसको आप जिंदा कैसे करोगे मरा आदमी तो हाँ मरा है मतलब वो भी तो एक प्रोसेस है ना सर मरना भी तो मतलब एक प्रोसेस है हर आदमी को मरना है ठीक लाइफ है। तो साइकिल है। लोग पॉजिटिव हाँ सर लाइफ साइकिल है। तो मतलब वी यूज टू राइट आवर स्टोरीज किसने क्या लिखी है वी यूज टू डिस्कस कि भैया इसमें ये खराबी है ठीक है। जब आप सच्चाई की तरफ जाते हो ना सर आपको कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती हम बस अपनी अंग्रेजी उसमें सही करते थे भैया कहानी सही है आइडिया सही है
और इस पिक्चर पे और क्या आइडिया आ सकते हैं, और किस तरह के आइडियाज आ सकते हैं। वो आइडियाज आपको आएंगे, आपकी लाइफ कैसी जी है आपने, आपके पिछले 20 साल 25 साल का कैसा एक्सपीरियंस, आप उस हिसाब से आप मतलब कहानियां लिखोगे। कोई आदमी ज्यादा मूवीज देखता है तो वो मूवी से ओरिएंटेड कहानियां लिखेगा, तो उसमें लगेगा यार ये तो मतलब अजीब सी कहानियां बना रहा है। जो हम गाँव के देहाती लोग हैं, जो बिल्कुल जो एक्चुअल में जो चीजें घटित होती है, हम वही उसको वो करते हैं। सो वी कंटिन्यूड दिस प्रोसेस फॉर 2.5 ईयर्स सर, एंड अच्छा देन यूएस आर्मी केम टू विजिटेड आर कॉलेज फ्रॉम हिसार। आई आई गोट शॉर्टलिस्टेड फॉर यूएस आर्मी ऑल्सो। आई यू नो ऑर्गेनाइज द एंटायर दिस थिंग रिक्रूटमेंट रैली ऑन द बिकॉज पड़ोस के 15-20 कॉलेज से बच्चे आए थे, तो पूल कैंपस वाला सिस्टम होता है, तो आर्मी ने पूल कैंपस बनाया था एंड आर कॉलेज वॉज ओके सिलेक्टेड फॉर दैट। तो आई ऑर्गेनाइज द एंटायर एक्टिविटी एंड आई गोट शॉर्टलिस्टेड फॉर यूएस आर्मी ऑल्सो। एंड उसके बाद में आई वेंट टू इलाहाबाद, आई गोट स्क्रीन आउट, अच्छा बट आई वॉज वेरी क्लियर सर, आई वॉज वेरी क्लियर कि भैया मेरी एनालिसिस में, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है, स्क्रीनिंग इज लक, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड स्क्रीनिंग भाई लक चलेगा उधर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इतनी भीड़ आती है उसमें वो स्पार्क एक्सेसर आपका ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, बट प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है। अगर मैं स्क्रीन इन हो गया तो आई विल गो एंड आई आई गेट रिकमेंडेड, वो मेरे अंदर परफेक्ट था सर। एक्सेलेंट, देन वेरी गुड, अगेन, हाँ सर, देन अगेन माई मतलब परसेंटेज इन कॉलेज वॉज वेरी गुड सर, आई वॉज इन टॉप 5 इन यूनिवर्सिटी इन ऑल सेमेस्टर्स। वेरी नाइस, हाँ, इन कॉलेज में आई थिंक अराउंड 70 to 80 कॉलेज आर अंडर एमडीयू सर, तो उसमें हर सेमेस्टर में मतलब मेरी टॉप 5 में आई टू बी देयर इन यूनिवर्सिटी, नॉट इन कॉलेज। हाँ, तो मेरी परसेंटेज वॉज गुड सर, आई डिड माई यू नो बीटेक विद आई थिंक 79 to 80%, इट इज मतलब गुड परसेंटेज। तो उसके बाद में सर आई अप्लाइड फॉर यूएस नेवी ऑल्सो, देन आई गोट माई कॉल लेटर इन गुड़गांव में, द्रोणाचार्य कॉलेज है खेटावास में, वहां पे नेवी का पूल कैंपस वॉज देयर। सो अराउंड 2000 के आसपास बच्चे आए थे, तो वहां पे हमने अगेन सेम थिंग हैपेंड, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू, देन आई गोट शॉर्टलिस्टेड। आई वॉज द ओनली वन हु गोट शॉर्टलिस्टेड फॉर माई कॉलेज। वेरी नाइस, ओके। हाँ सर, तो फिर यूएस नेवी में है सर हम आ गए, इंटरेस्ट वॉज टुवर्ड्स आर्मी बिकॉज माई ऑल थ्री अंकल्स इन आर्मी। हाँ, हाँ, सारे फौजी हैं। वही रहता है सर, है ना। तो फिर मतलब ओरिएंटेशन वॉज टुवर्ड्स आर्मी सर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आई गोट शॉर्टलिस्ट, आई गोट ए कॉल फ्रॉम दिस थिंग 12 SSB बैंगलोर की, भैया आपका एसएसबी है, बट जैसे मैं इलाहाबाद से आया था सर, आई हैड फीवर, तो मैंने शायद रेलवे स्टेशन पे कुछ खाना खा लिया था, फूड पॉइजन हो गया, मुझे बुखार हो गया था। तो आई वॉज नॉट हैविंग स्मार्टफोन ऑल्सो दैट टाइम, तो मेरे पास छोटे छोटे वाला फोन था सर, उनकी मतलब किसी से फोन वो मांग मांग के लाके छत पे चढ़ के, गांव में टावर भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, छत पे चढ़ के वहां पे मैंने मेल डाला कि सर दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू अपेयर फॉर एसएसबी, और तबीयत खराब होने की वजह से मैं आ नहीं सकता। सो सर आई वॉज सो लकी, वहां से मेल का रिप्लाई बड़ा मुश्किल से आता है एसएसबी वालों से ना, इस मतलब 10-15 दिन लग जाएंगे, यू विल कीप कॉलिंग देम। तो 5 मिनट के अंदर सर वापस रिप्लाई आ रहा कि देर इज वन फ्रेश डेट, दैट इज 13 मार्च एंड यू कैन अपेयर, दिस इज लास्ट डेट फॉर एसएसबी, तो आप वहां पे आ सकते हो, ठीक है सर। तो मैं बिस्तर में पड़ा था सर, मतलब मेरे को क्या बोलते हैं हरियाणवी में मोती झारा बोलते हैं, मोती झारा, हाँ। वो मुझे हो गया था वहां पे, तो मैं बिस्तर पर आई यूज टू प्रैक्टिस, यूज टू प्रैक्टिस स्टोरीज, आई यूज टू यू नो रिहर्स फॉर वेट, अगर ऐसा वर्ड आ गया ये आ गया, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ स्टफ आई वॉज डूइंग। फिर मैंने सर लैपटॉप कहीं से मैनेज किया किसी उससे, तो उसमें जो हमारे पास बिकॉज कॉलेज में तो वी वर हैविंग द लग्जरी ऑफ लैब, तो गांव में तो नहीं थी, तो किसी से लैपटॉप मैनेज किया, उसमें डाउनलोड किए, छत पे चढ़ के वो फोटोज वगैरह डाउनलोड किए जीडीओ टास्क के, तो फिर वहां पे बैठा बैठा मैं जैसे आइडिया लगाता रहता था कि हाँ भाई यहाँ से इसका ऑब्स्टेकल में है ना क्या एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी मेरी सर रही, एंड ऑन 13 मार्च आई वेंट टू बैंगलोर, और अराउंड 250 कैंडिडेट रिपोर्टेड एंड 43 आई थिंक गुड स्क्रीन आउट स्क्रीन इन, तो आई वो वन ऑफ देम सर। तो ये कार्रवाई हुई, उसके बाद में फिर मुझे लगा भाई अब स्क्रीन इन हो गया ना, अब मुझे कोई नहीं ला सकता, अब देवदत्त अब मैं शर्मा को कॉन्फिडेंट कोई हूँ, रोक नहीं सकता है। अब मेरे को कोई नहीं सकता, अब स्क्रीनिंग 2.5 साल की मेहनत है, अब वो आएगी, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था सर। कोई लोग इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कोई ईगो बोलते हैं, कोई और कॉन्फिडेंस बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ प्योर मेहनत, प्योर मेहनत। प्योर मेहनत का परिणाम था, ठीक है। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू अस, जब हम प्रैक्टिस करते सर, वी हैव गिवन मोर देन 200 मॉक इंटरव्यूज एक दूसरे को, बहुत आप देखो 200 आप अगर मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपको चीजें है ना जबान में बैठ जाएंगे, और कहते हैं ना सर इंटरव्यू आप अपने तरीके से लेके जाओ, तो मैं तो इंटरव्यू, मैंने पूरा गांव में इंटरव्यू घुमाया सर, भाई, यही मैंने तरीका गांव है। से बाहर, मैंने गांव से बाहर निकलने नहीं दिया। इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स, हाँ
गांव में मेरे नाना के, मेरे बुआ के, मेरे चाचा के, इससे मैंने इंटरव्यू को बाहर निकले नहीं दिया पूरा सर, खरबला गांव दिखा दिया इंटरव्यू पूरा आईओ को। अच्छा खरबला सर, पूरा मैंने उसको मतलब इंटरव्यू बढ़िया चला, अपने अपनी मर्जी से इंटरव्यू हुआ। अगेन देन वी केम टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो उसमें भी सेम चीज, बिकॉज पता है क्या है, मतलब सारी प्रैक्टिस की वो चीजें आ रही हैं, उसमें कोई नया है ही नहीं, ठीक है। सेम जो स्टोरी हमें 4 मिनट में लिखनी है, मैं वहां पर 2.5 मिनट में लेके बैठ जाता था, मैं बाकी लोगों को दिख वाह रहा था। वाह, वेरी नाइस। सेम थिंग फॉर वेट, सब चीज सर ऐसे ही। तो साइकोलॉजी भी ऐसे खत्म हो गया। जीटीओ में कोई दिक्कत थी नहीं सर, एक्सटेम्पोर इतना एक्सपोजर मिल चुका था, बोल बोल के खड़े खड़े 5 5 घंटे बुलवा लो किसी टॉपिक पे। तो फिर वो हो गया, अपने ग्रुप टास्क वगैरह हो गए, जीडीओ हो गया, सब कुछ हो गया सर। देन फाइनल डे सर आया सर, ठीक है, दिमाग में था कि भाई हो जाएगा, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो माय नेम वो लिया सर, चेस नंबर 9, चेस नंबर 22, भाई गॉट रिकमेंडेड सर। बॉयकॉट। हाँ, प्योर मेहनत और मतलब लगा सर, कितना यार, प्योर कुछ काम प्योर करके प्योर कमाया है अपने है? कमाया सर, प्योर मेहनत सर। इसमें कोई कोचिंग नहीं ली हमने, कुछ नहीं लिया सर, ठीक है। हमने बिल्कुल वहां पे जो नींव होती है ना सर, नींव हमने बनाई है और उस पे हमने काम किया। देवदत्त, इसीलिए मैं तुमको लेके आया हूं। मैं बच्चों को यार बहुत कहता हूं, मत जाओ 30,000 रुपए दे के कहीं जाते सर हैं, मतलब ही नहीं है सर, मतलब एक ही नहीं परसेंट है भी सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत पैसे वेस्ट करते हैं यार ये बालक, सर। बहुत पैसे। आपकी सर जो आपकी जो स्किल्स है ना सर, उनको डेवलप होने में टाइम लगता है। वो 2 दिन में, 14 दिन के कैप्सूल कोर्स में वो कभी डेवलप नहीं होनी। अगर नहीं आपको होता। कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो आप ऐसी जगह जाओ जो बंदा आपको 1 साल की ट्रेनिंग देता हो, वो आपको माहौल देगा, वो आपको एक्सपोजर देगा। आप ऐसी जगह पे जाओ, 15 दिन में आप क्या सीखोगे, है क्या सीखोगे? ना सर। तो फिर कैसा रहा तो रिएक्शन, तुम्हारी मदर का क्या रिएक्शन था? सर मतलब मदर तो मतलब मैंने मदर को बोला कि गांव में ऐसे होता है ना सर कि लेफ्टिनेंट बन गया बेटा, भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। माँ भाई अभी तो मेरिट लिस्ट वगैरह आई नहीं है, ठीक है, तो भी किसी को बताना मत। बोले कि मैं ये बात अंदर रख नहीं पाऊंगी अपने, ठीक है। तो सर उन्होंने सर कर दिया, सर सबको बता दिया। और पैरेलली दैट टाइम ओनली मेरे चाचा के बड़े लड़के थे, उनका एसएस भी चल रहा था सीडीएस का, 1 हफ्ते बाद वो रिकमेंड हो गया सर सीडीएस से, ओ पर वाह। उसी मार्च में ही। तो गांव में तो सर हल्ला हो गया कि भाई एक घर में ही 2 अफसर बन गए। बाय गॉड। हाँ। हाँ सर, फिर उसका मतलब वो मेडिकल आउट हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और फिर धीरे धीरे मेडिकल में तो कोई इशू था ही नहीं सर, ठीक है। तो डॉक्टर भी मतलब मेरे, उन्होंने जब मेडिकल चेकअप किया, बोला भाई तुमने शरीर का क्या बना रखा है, बिकॉज वहां पे सारे मोटे लोग आते हैं सर, वेट बढ़ा के ओवर वेट हाँ लोग आते हैं, हाँ ठीक है। बातें तो बड़ी मेरा बड़ी तो करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, हाँ लेकिन बातें बड़ी बड़ी सर, वही ठीक है। अंग्रेजी बोलेंगे सर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हमारी जो आर्म फोर्सेज है ना सर, उसमें जो हमारे जवान है वो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप उनकी उनके भूतकाल को नहीं जानोगे, उनकी जो चीजें हैं उनको आप नहीं जानोगे, तो आप उनको जंग में मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा, है ना सर। तो वो लोग आते हैं कि हाँ भाई मुझे अंग्रेजी आती है, मैं अंग्रेजी सेलेक्ट हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है सर। सिलेक्शन रेट ऑफ SSB स्टिल सेम विच वॉज देयर 10 ईयर्स बैक, वो ऐसा ही रहने वाला है, जो असली बंदे हैं वही यहाँ पे आएंगे। तो फिर नाइन्टी मेडिकल परसेंट का नहीं सर, आएंगे, हाँ 90% हाँ फिर निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ सर वही। तो फिर मेडिकल में सर कोई इशू नहीं था, मेडिकल मतलब क्लियर हो गया, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में आई गोट अ कॉल लेटर फ्रॉम दिस थिंग DMPR दिल्ली से, तो आई ज्वाइन IN एंड सक्सेसफुली, वेरी इजली आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग कब ज्वाइन किया आपने आईएनए? जून 2016 सर। जून 2016। आप एंड एक वेन चीज डिड यू गेट देखो सर, कमीशन? हैं? हाँ सर आप एक चीज देखो सर, एक जो बीटेक कर रहा है जो बच्चा, हाँ जिसका 8th सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें ही लुक्स अपॉर्चुनिटी आउटसाइड कि भाई मैं इंटर्नशिप कर लूँ कहीं पे कंपनी में। मैंने सर कुछ नहीं किया, मेरा SSB क्लियर हुआ था मार्च में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई 4th सेमेस्टर आई वेंट टू EME, EME सेंटर 510 आर्मी बेस वर्कशॉप, आई थिंक मेरठ में है सर, वहां पे गया था मैं। तो माई अंकल वो पोस्टेड ओवर देयर, तो मैंने वहां पे थोड़ी सी है ना 1 1.5 महीने की ट्रेनिंग ली थी उधर, अपनी जो छोटे मोटे लॉन्चर वगैरह हैं, तो लॉन्चर से मिसाइल से उनकी ट्रेनिंग ली थी, तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास था। तो फिर अगेन आई वेंट टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ्टर क्लियरिंग SSB, तो मैं भाई सर्टिफिकेट तो सबमिट करना होता है, कहाँ से करेंगे। अगेन आई वेंट टू द बेस वर्कशॉप सर, तो मैं बोला सर कि मुझे एक कैप्सूल कोर्स दो 1 हफ्ते का, और ये सर्टिफिकेट को अपडेट कर दो। तो उन्होंने सर सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया, और 6 महीने के लिए मैंने उनको दिखा दिया। सो दैट आप ये देखो सर, एक अनसर्टेनिटी रहती है बच्चे को कि भाई मेरी बीटेक होने वाली है, मैं मार्केट में क्या करूंगा, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। और क्या कॉलेज में एज सर थी तुम्हारी देवदत्त जब आई आप वॉज कंप्लीट? सर, वेन आई क्लियर आई माई एज वॉज 20 1/2, वेन आई ज्वाइन आई 21। ओ वेरी यंग यार, वेरी यंग। हाँ तो सर यू ज्वाइंट एस रेगुलर और शॉर्ट सर्विस? व्हाट इज दिस? शॉर्ट सर्विस सर, माई एंट्री वॉज शॉर्ट सर्विस, यूएस शॉर्ट सर्विस। अच्छा, यू एस शॉर्ट सर्विस 10 इयर्स।
12 ईयर्स। अच्छा, इट इज 12 ईयर्स। हाँ सर, वो 3 कोर्सेज माई कोर्स एंड 2 कोर्स मतलब आगे उनका 12 ईयर्स था, अदरवाइज इट यूज टू बी 10 ईयर्स। तो अभी कितनी सर्विस होगी आपकी? अभी आई एम गोइंग टू कंप्लीट 8 ईयर्स सर, एंड 8 ईयर्स। और एज माई एज कितनी इज है तुम्हारी? 28 एंड हाफ। ओह, सो यू आर सो यंग, सो हाँ यंग। सर, अब मैं ये बातें तो बहुत इंस्पायरिंग है आपकी, आप कैसे एक सिलेक्शन हुआ, कैसे मेहनत करनी है। हर गांव देहात के बच्चे को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गांव गांव ही है, देहात देहात ही है। कास्ट राइट पुस्ट सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप स्किल बिल्ड करोगे तो आप कर सकते हो, कुछ कुछ मुश्किल नहीं। एग्जैक्टली अब मुझे सर, यस बताओ, तुमने सर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखे हुए हैं, 82 कंसेक्यूटिव मैराथन्स, 35 x 35 डेज मैराथन, ये पागलपंती अल्ट्रा मैराथन, ये क्या चीज है? आयरन मैन, ये क्या कर रहे हो? सर अभी जैसे ही मैं किसी से मिलता हूँ ना, आई टेक आउट माई टाइम एंड यूज टू टेल दोज गाइस कि भाई एटलीस्ट यू शुड इन्वेस्ट आधा घंटा पौना घंटा अपनी हेल्थ के लिए आप फोकस रहना चाहिए। तो आई एम एविड रीडर फ्रॉम कॉलेज टाइम सर, किताबें बहुत पढ़ना स्टार्ट किया मैंने वहां से, तो अभी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ, अभी भी मेरे पास हमेशा किताब रहता है, यूज टू कैरी बुक ऑलवेज। तो सर मैंने मतलब जब हम सेलिंग के लिए जा रहे थे तो मेरे को किताब हाथ में लगी, दैट वॉज 50 मैराथन इन 50 डेज, समबडी रीड 50 मैराथन इन 50 डेज सर। अच्छा, ये किताब है। हाँ सर, ये किताब असर एक बंदे ने की थी 50 मैराथन 50 डेज करके, तो वो बुक मैंने पढ़ी सर। तो ऐसे ही मैं स्क्रोलिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि यार कवर पेज इज लुकिंग वेरी नाइस, आई शुड डाउनलोड दिस बुक ऑन किंडल। तो अराउंड 350 पेज की बुक है सर, तो मैंने वो एक दिन में पढ़ दी एक गो में। बाय गॉड, अच्छा। तो जैसे ही मैंने वो बुक कंप्लीट की ना सर, कि इफ दिस गाय कैन डू 50 मैराथन 50 डेज, आई कैन डू एटलीस्ट 30 मैराथन 30 डेज, मैं 30 तो कर सकता हूँ। और उससे पहले मेरा कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं सर, एक दो मैंने फुल मैराथन भागी थी, दैट वॉज अनरिकॉर्डेड काइंड ऑफ। तो फिर मैंने जैसे हम वापस आए तो मेरे दिमाग में आइडिया हो गया था कि भाई मुझे भी करना है, बट ये कैसे करना कीड़ा है। लग गया कीड़ा है लग गया ये, सर, खतरनाक वाला, खतरनाक बाय गॉड। वाला सर कीड़ा लग गया। मतलब व्हेन आई वाज इन अंडमान, तो जो हमारी शिप रहती है उसका एक हेलीपैड रहता है, तो उस हेलीपैड पे आई यूज टू रन 21 किलोमीटर्स। एक छोटी सी जगह है जिसका एक सर्कल इज अराउंड 15 मीटर्स, एक एक लूप 15 मीटर रहेगा, तो उसपे आई यूज टू डू 21 किलोमीटर, बट 42 किलोमीटर में कभी नहीं भागा था। ये जो शिप थी उस पे तो मैं मतलब हाफ मैराथन तो मैं 100 बार भाग चुका था, वो वेरी गुड। मैं वो मतलब उस पे भागता था। तो उसके बाद में सर आई थॉट कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना है, बट दिस गाय इज डूइंग दिस एक्सपीडिशन, डिड दिस एक्सपीडिशन टू मेक रिकॉर्ड, बट मेरा मोटिव रिकॉर्ड बनाना नहीं है, मेरा मोटिव है बच्चों को इंस्पायर करना, एंड रनिंग इज वन मीडियम। रनिंग इज वन मीडियम, बिल्कुल। हाँ तो ये कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया सर, आई टुक इट टू माय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर को दिखाया। सो इनिशियली आई प्लान फॉर 30 डेज, 30 मैराथन 30 डेज, सो दैट वाज कमिंग अराउंड 1250 किलोमीटर्स। कहाँ करना है, तो मैं भाई मैं तो हरियाणा का हूँ, सो आई एबल टू कनेक्ट विद पीपल ऑफ हरियाणा। तो मैंने रूट बनाया सर 1250 किलोमीटर का, दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ रीजन का, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, ऑन 30th अक्टूबर, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्लान चलेगा, बट मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला यार यू यू आर डूइंग 30 मैराथन, ये डिस्टेंस 1250 है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको ना, तो 1500 कर दे। ओ इफ यू भाई, कैन रन, हाँ, इफ यू कैन रन 30 मैराथन इन 30 डेज, यू कैन ऑब्वियसली रन 35 मैराथन ऑल्सो, मास्टर कर दो सर, आई विल यू नो चेंज द रूट अकॉर्डिंगली। तो सर वो 1500 मैंने कर दिया फाइनली, देन आई गोट दिस लेटर क्लियर फ्रॉम माई कमांडिंग ऑफिसर। ये देन कब की फिर बात है? ये कब की बात है? सर मार्च 2022, लास्ट ईयर ओनली अच्छा, ओ ओके। मार्च में प्लानिंग हुई सर। मतलब 1 मार्च को मैंने किताब पढ़ी और 5 मार्च को तो मैंने शिप से लेटर निकाल दिया। बाय गॉड, इतिहास देवदत्त, तुम अलग किस्म के इंसान हो भाई। हाँ सर, 5 दिन पहले मैंने किताब पढ़ी और लेटर ड्राफ्ट करके लेटर और शिप से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में मतलब प्रॉपर चैनल से होते होते वो लेटर गया वापस, मतलब ISU तक तो गया सर। उसके बाद में दे टोल्ड की हाँ ठीक है, सो विल मेक इट इज नेवी का इवेंट, ठीक है, जिसमें उसका मोटिव था सर कि आफ्टर रनिंग ए फुल मैराथन आई विल बी गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू मोटिवेट द यंगस्टर्स, यू नो कि भाई हम कर सकते तो तुम भी कर सकते हो, तो ठीक है। तुम तो मैराथन दौड़ रहे थे, मैराथन दौड़ के बाद सर यूनिफॉर्म पहनते थे नेवी आई की, वाज, हाँ सर आई और वाज कैरिंग उसके माय यूनिफॉर्म, आई वाज कैरिंग माय यूनिफॉर्म इन माय कार आफ्टर कंप्लीट। उसके बाद क्या हुआ ना सर, हमने टीम एक्टिविटी बनाई इसको कि 30 डेज, 35 डेज का ड्यूरेशन वी आर हैविंग, इफ समबडी वांट्स टू रन फॉर 5 डेज दे कैन वॉलंटियर फॉर 5 डेज। किसी को 15 दिन भागना है वो 15 दिन भागे, जिसको 20 दिन भागना है अपनी नेवी के स्टार्ट। सेलर्स के लिए, हाँ सेलर्स नेवी ऑफ के सेलर, हाँ सर सेलर्स ऑफ नेवी, नॉट सेलर्स सर, एवरीबॉडी सेलर्स प्लस ऑफिसर्स। हाँ
तो कितने लोग थे आपके साथ इस टीम में? वी गोट अराउंड 25 to 30 नेम्स, सो ऑन एन ओके एवरेज डिफरेंट डेट्स, सो ऑन एन एवरेज एवरी डे वी वर अराउंड 8 to 10 रनर्स फ्रॉम नेवी। उसके अलावा एक्सपीडिशन स्टार्ट होने से पहले आई डिड द रूट रेकी ऑफ एंटायर एक्सपीडिशन, एंटायर मतलब रूट इन विच आई इंटरेक्टेड विद ऑल डीसीज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, वेर इन आई यू नो आस्क फॉर हेल्प, लाइक वी नीड वन पायलट व्हीकल, पुलिस का चाहिए एस्कॉर्ट करने के लिए, ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। ओके, वी नीड लोकल एथलीट्स हु आर यू नो प्रैक्टिसिंग एवरी डे, सो उसमें डीएसओ को मैंने लूप में डाला सर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को लूप में डाला। सो जैसे ये ही सब हम, हुआ, लोगों ने कॉपरेट किया सिविल हाँ सर अटेंडेंट। वो, हाँ वो मैंने अपना तरीका निकाल लिया था सर, कैसे कोऑपरेट, अगर कोई नहीं करता तो कैसे कोऑपरेट करवाना है, दैट वो भी तरीके होते हैं सर। अच्छा हाँ तो फिर हाँ उसके बाद में सर डीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो मैंने डीसी को मतलब एक पूरा प्रपोजल लेके गया था मैं, तो सर दिस इज आर रिक्वायरमेंट एंड ऑन स्टूडेंट्स टू डेट विल बी कमिंग ऑन स्टूडेंट्स टू प्लेस। तो वो ऐसा था सर कि उसमें अगर आपने प्लान कर लिया सो देर इज नो चांस ऑफ डेविएशन, उसमें डेविएट हो नहीं सकती बिकॉज फॉर 35 डेज एवरीथिंग हैज बीन प्लान ऑन दैट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सारी पूरी प्लानिंग तुम्हारी थी प्लानिंग सर, कुछ नहीं, सब मैं ही कर रहा था, और आइडिया मेरा था ना नेवी सर, नेवल आइडिया हेडक्वार्टर ने वो कितना नॉर्मल सपोर्ट लिया किया? नेवल हेडक्वार्टर ने कितना सर। सपोर्ट? सपोर्ट था तभी तो हुआ ना सर, हाँ सपोर्ट था तभी हुआ, बिना सपोर्ट के चीजें नहीं होती। हाँ तो ग्रेट। फिर उसके बाद में सर मतलब मैंने क्या किया, हर मतलब डीसी या एसडीएम से मैं मिलता, उसको रिक्वायरमेंट डालता कि भाई डीओ का काम है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ही विल टेल अस इन विच स्कूल वी हैव टू गो एंड प्रेफरेंस शुड बी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है सर, हम कोई हाई फाई स्कूल में नहीं गए सर, मैं किसी हाई फाई स्कूल में नहीं गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल, बिकॉज बच्चों को ऑलरेडी पता है सर, जिन बच्चों को एक्चुअल में जरूरत है आप उनके पास जाओ, जिनको गाइडेंस की कमी है, जिनको अवेयरनेस की कमी है, आप वहां जाओ, आई प्रेफर टू गो इन गवर्नमेंट स्कूल्स। उसके बाद में डीएसओ को मैं लूप में लेके आया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, देन डीपीआर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, देन वी ऑल्सो इंटरेक्टेड विद वेटरन्स ऑल्सो सर फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, जहां जहां हम जाते थे वो लोग मिलते थे। सो दिस एक्टिविटी रूट ट्रैक आई डिड इन 10 डेज। उसके बाद में ऑन 30 अक्टूबर वी स्टार्टेड आर एक्सपेडिशन फ्रॉम वॉर मेमोरियल सर, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, एंड उसके बाद में अराउंड ऑन फर्स्ट डे अराउंड 200 से 300 लोग हमारे साथ है जो रनिंग कर रहे थे, ठीक है, फॉर सम डिस्टेंस, देन वी कंटिन्यूड। और उसके बाद में तो फिर वो आपको पता ही है सर, वो तकड़े वाला, इट इज लाइक ए चेन रिएक्शन, तो हर जगह होती रही, तो फिर लोग क्या पूछते थे रूट, भाई मोटे तौर पे रूट बता दो ऑडियंस के लिए। वही सर दिल्ली से अपना ये सोनीपत पानीपत करनाल कैथल यमुनानगर वाला जो रास्ता है चंडीगढ़ से होते हुए, फिर पूरा वी टेस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अच्छा वेरी गुड हाँ एक्सीलेंट। फाइनली द इवेंट वाज कल्मिनेटेड एट कोटा हाउस दिल्ली ऑन 3 दिसंबर, वेयर नेवी चीफ वाज चीफ गेस्ट एंड मिस पीवी सिंधु केम फॉर फ्लैग इन। सो यू गॉट द कमेंडेशन कार्ड देयर आई फ्रॉम गोट द ऑन द स्पॉट कमेंडेशन सर। ऑन द उसके अलावा स्पॉट। मैंने 5 बाकी लोगों को भी दिलवाया सर, हाँ अच्छा एक्सीलेंट। सर सो इनको भी दिस मिलना इज चाहिए। हाँ ग्रेट। 35 डेज, थर्टी हाँ फाइव सर, मैरेथन, पंद्रह तो सौ उसके बाद में किलोमीटर सर, उसके बाद में सर क्या हुआ कि लाइक मेन मोटो वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंगस्टर्स, टू इंस्पायर देम एंड यू नो टू मोटिवेट देम। हाँ सो आफ्टर रनिंग ए फुल मैराथन आई यूज्ड टू कैरी माय यूनिफॉर्म इन माय कार, रन जैसे खत्म हुआ रोड साइड में आई यूज्ड टू चेंज इन टू यूनिफॉर्म, स्किपिंग लंच एवरी डे बिकॉज लंच करने का टाइम और स्कूल जाने का टाइम सेम है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आइदर यू शुड गो फॉर लंच और यू शुड गो फॉर मतलब स्कूल। स्कूल, गो टू स्कूल फॉर अ टॉक, तो आई चूज टू गो टू स्कूल सर, ठीक है। तो आई वॉज सर्वाइव बाई ओनली वन मील इन इनिशियल 35 डेज, आई वॉज रनिंग 43 to 45 किलोमीटर एवरी डे, आफ्टर रनिंग ए मैराथन आई यूज टू चेंज इन टू माई यूनिफॉर्म एंड यूज टू गो टू स्कूल्स, एंड दैट टॉक यूज टू बी अराउंड यू नो 2 ढाई घंटे का रहता था सर वो। उसके बाद में फिर देन फिर इंटरेक्शन विद मीडिया पर्सनल, कब सोने सोने का, रेस्ट करना, फिर का तो से? सर सोता तो मैं सर 3 4 घंटे ही था, बिकॉज अगले दिन की एक्टिविटी भी आपको प्लान करनी है, बिकॉज नो बडी एल्स वॉज देयर, बाकी लोग तो लाइक देखे मैं एज ए रनर है ना सर, तो एवरी एक्टिविटी आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, सो इसका देर वॉज नो तो आपका रिप्लेसमेंट दिमाग भी खराब हो रखा, फोन भी कर रहे हो लोगों को, कोऑर्डिनेट भी सर। कर रनिंग रहे के टाइम में व्हेन आई वाज रनिंग ना सर, दैट टाइम आई यूज्ड टू अटेंड मोर देन 30 to 40 कॉल्स, हो। अरे भाई बिकॉज क्या होता है अगर पुलिस की गाड़ी आ रही है तो सबके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वॉज माई नंबर ओनली, तो एवरीबडी यूज टू कॉल मी, तो जैसे पुलिस का क्या रहता है ना एक जोन रहता है, उसके बाद में दूसरे पुलिस वाले आ जाएंगे और फिर हाँ, चेंज कर दूसरी देंगे, पुलिस तो हर डिस्ट्रिक्ट बंदा में कॉल करता था, भाई। ये एक्स सर्विस तो मैन भी कॉल करते थे है ना सर। ऑन सेकेंड डे आई गोट ए कॉल फ्रॉम आई थिंक रोहतक सर, रोहतक से मुझे कॉल आया कि सर यहाँ पे कब आ रहे हो, भाई जो प्लान है उसी के हिसाब से आ रहे हैं, अब उड़ के तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो कई बार ऐसे लगता था कि गिव अप करें, ठीक है इंजरी होती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे 30वें दिन जहां पे जाना है ना, दैट गाय इज वेटिंग फॉर मी, दैट गाय इज वेटिंग फॉर आर टीम, सो देर इज नो पॉइंट टू
नो स्टॉप दिस एक्सपीडिशन, वी हैव टू कंटिन्यू। गांव गांव गए कि नहीं गए इस दौरान? बिल्कुल गए सर गांव में सर, पूरे कम से कम 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो रखे थे। जिस स्कूल से मैं पढ़ा था उसी स्कूल में वो फंक्शन करवाया था उन्होंने। माय गॉड, ये इट तो वाज बड़ी एन कमाल अमेजिंग। हाँ सर कमाल की चीज होगी। दिस मस्ट बी द मोस्ट इमोशनल मोमेंट। राइट सर। तो पूरे गांव के तीन गांव सर हमारे, सीसर, खरवला एंड रोशनखेड़ा, तो तीनों गांव के लोग वहां पे आए थे। और प्रिंसिपल जो हमारे थे उस टाइम पे, तो मतलब ही स्टार्टेड क्राइंग, ही वाज हैविंग टीयर्स इन हिज आईज कि यार आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, आज उन्होंने मेरा दिन बना दिया। वंडरफुल। तो सो ये आफ्टर, इवेंट हाँ तो, सर, हाँ तो सो आफ्टर इवेंट, 35 डेज सर, आफ्टर 35 डेज आई वेंट टू माई यूनिट। उसके बाद में ऑन 5th डे आई आई वॉज डिलीवरिंग ए टॉक इन सैनिक स्कूल कुंजपुरा। तो वहां पे सर मतलब लेक्चर देते देते ना मेरे मुंह से निकल गया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एट 35, आई विल डू 75 मैराथन्स। वो मेरे मुंह से मतलब कहते ना सर लक्ष्मी बैठी रहती है, तो मुझे लग रहा है मेरे मतलब लक्ष्मी बैठी थी। और वो फिर आई थॉट कि भाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्टी लक्ष्मी फाइव तो मैराथन आई नोट विल। वालों की होती है, ये तो हाँ सर, सरस्वती बैठी होगी। सरस्वती, सॉरी सरस्वती सर, नोट लक्ष्मी, सरस्वती, सॉरी। हाँ सर। हाँ तो हाँ उसके बाद में सर आई वेंट बैक टू माई यूनिट सर। उसके बाद हाँ में आई यूज टू वेक अप अराउंड 2:30 in the morning, एंड बाई 3 o'clock in the morning आई यूज टू स्टार्ट माई रन, एंड बाई 7:30 आई यूज टू कंप्लीट माई रनिंग, एंड शार्प 9 or 9:30 आई यूज टू गो टू माई ऑफिस। सो दिस एक्टिविटी आई कंटिन्यू वो टिल काउंट ऑफ 82 या ये भी आपने कमाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 82 सर। डेज, 82 मैराथन्स, फर्स्ट कॉम्बैट सोल्जर इन द वर्ल्ड, सर पहला हाँ आर्मी, सर, नेवी, एयरफोर्स पूरे विश्व में करने हाँ वाले सर, 82 मैराथन्स, देवदत्त शर्मा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। फिर आपने कितने आयरन मैन कितने किए? सर आयरन मैन एक उदयपुर में हुआ था सर, हाफ आयरन मैन, बिकॉज फुल आयरन मैन तो यू हैव टू गो आउटसाइड। सो हाँ माय माय कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, इफ नेवी इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट्स, आई विल गो एंड आई विल वॉलंटियर एंड आई विल परफॉर्म। बट अगर आप बाहर जाओगे यू हैव टू पे हैवी अमाउंट सर, 3-4-5 लाख रुपए आपके लगेंगे। सो देर इज नो पॉइंट, टिल द टाइम यू आर नॉट एलिट एथलीट, एलिट एथलीट, देर इज नो पॉइंट यू नो स्पेंडिंग सो मच अमाउंट, बिकॉज आपके गियर्स बहुत महंगे रहते हैं सर। तो मैं तो बिल्कुल जो अपने देसी गियर्स होते हैं, मेरी साइकिल भी बड़ी सस्ती है सर, ठीक है, नहीं वो नहीं तो आपकी बिल्कुल। साइकिल बहुत अच्छी है, मैंने आपकी साइकिल देखी है और हाँ आपका मैंने साइकिलिंग गियर देखा है। यू लुक सर, डैशिंग, मैं मेरे फोटो बिल्कुल, दिखाऊंगा। मेरे गियर्स बिल्कुल सस्ते रहते हैं सर, ठीक है सर, बिल्कुल जो एक मतलब एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर सके वो गियर्स रहते हैं, नो साइकिलिंग के स्पेशल गियर्स। तो मैं उसी में अच्छा टाइमिंग मेरा आता है। तो देन आई वेंट फॉर उदयपुर आयरन मैन, उसके बाद में आई वेंट टू गोवा आयरन मैन ऑल्सो, अभी हुआ था सर 2-3 महीने पहले, अक्टूबर में हुआ था सर। हाँ, उसकी मैंने वीडियोस देखी थी आपका, वो जो डांस कर रहे हो आप, आई जो यूज टू एंजॉय सर, इफ आपको इफ फॉलो करता इवेंट, हूँ। हाँ सर, इवेंट अगर चाहे 5 घंटे का रन हो सर, 6 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, तो मैं तो उसमें सर एंजॉय करता हूँ दबा के, डांस भी करता हूँ, ठीक है, रनिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हो, एक अच्छा टाइमिंग, एक डिसेंट टाइमिंग रहता है सर साथ में। तो देवदत्त, आप बहुत इंस्पायरिंग हो। अभी आप नेवल एकेडमी में इंस्ट्रक्टर हो, वहां का सर कुछ एक्सपीरियंस बताओ। कैसे आजकल के कैसे कैडेट्स आ रहे हैं, आप कैसे मोटिवेट करते हो? सर कैडेट्स को बेसिकली मैं जो अभी नए रिक्रूट्स हैं, जो मतलब वीडियो बच्चे जो देखेंगे उनको स्पेसिफिकली वन गाइडेंस आई वुड लाइक टू गिव कि यू शुड इन्वेस्ट सम टाइम इन योर हेल्थ, बिकॉज हर चीज आप फौज पे मत छोड़ो कि भाई फौज ही हर चीज हमें सिखाएगी, आप एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ वहां पे आए। बिकॉज मैं वहां पे बच्चों को देखता हूँ सर, बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे, बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि SSB क्लियर होने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं। सो दे यू नो हेल्थ के ऊपर फोकस करना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आपको, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि यू हैव टू गो इन आर्म फोर्स, यू वांट टू जॉइन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, तो आपको भाई फिजिकली फिट तो आपको होना पड़ेगा, नॉट फिजिकली फिट, फिजिकली टफ यू हैव टू बी। तो उसके लिए आप व्हाई यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रेनिंग टू स्टार्ट, आप उसको पहले से ही आप उस पर काम करो। करेक्ट। तो यही चीज मैं यंगस्टर्स को बताता रहता हूँ सर, आप फौज में आपको जाना चाहते हैं तो आप पहले से ही इन चीजों पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आप वहां आने के बाद में आप सोचोगे कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया, वहां पे आपका फिर मन नहीं लगेगा सर। फिर छोड़ देते हैं, काफी लोग दुखी होके हाँ छोड़ छोड़ते देते हैं सर, छोड़ते हैं, फिर आप वहां छोड़ के भागोगे, तो आपके जो सपने आपने बनाए थे कि मैं मुझे ये करना चाहिए, वो आपके सारे सपने वहां पे चकनाचूर हो जाते हैं। हैं। तो ये तो मैं भी देखता हूँ फैक्ट। डीपी हाँ सर लगाएंगे, फोटो वीडियो देखते रहेंगे, उठते नहीं है वही, सुबह, हाँ भागने सर, दौड़ने जाते नहीं है। हम यस भी सर, कोशिश कर रहे हैं इंस्पायर करने की। अब मुझे ये बताओ देवदत्त, अब जो लाखों बच्चे फॉलो करते हैं मेरे को, आपकी ये वीडियो देखेंगे, कि सर गांव देहात के बच्चे, चाहे वो आंध्रा का हो, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, पूरा देश, मतलब जो बच्चे सर ऑफिसर बनना चाहते हैं, सर व्हाट इज योर गाइडलाइन? अरे कोई देवदत्त शर्मा नहीं बन सकता, भी देखो मेरे जैसे नहीं सर, लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते सर। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी, रिटन टेस्ट, SSB, इस सब का ये क्या
दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या होना सर, चाहिए? ये चीजें तो आप बच्चों को काफी टाइम से बताते आ रहे हो, है ना। इसमें मतलब है ना कि एक भी चीज ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई खुफिया चाबी है, उस चाबी को इस्तेमाल करके वो मतलब आगे बढ़ रहा है लाइफ में। तो वही है सर, मतलब आपको अगर आपका जो एम है, लक्ष्य है, अगर आपको आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको है ना अलार्म नहीं होनी चाहिए आपको शेकअप देने के लिए। अगर आप चाहते हो कि अलार्म आपको शेकअप देगी, तब आप आपके बड़े लक्ष्य प्राप्त करोगे, ये ऐसा कभी होने वाला नहीं है सर। आप खुद उठो, फिर दुनिया को उठाओ, तब तो आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। और मेहनत का तो कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं सर, आपको सफर करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू एंजॉय द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, योर लाइफ विल बी यू नो वेरी ब्राइट, वेरी स्पार्कलिंग। अगर चीजों का अभाव है लाइफ में सर, तभी तो जिंदगी जीने का मजा है। अगर चीजों का अभाव आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आपको कौन सी चीज मोटिवेट करेगी? तो जब हम गांव में रहते थे सर, तो गांव में हम देख रहे हैं कि भाई कोई सामने वाला बंदा है, ये फ्रूट्स खा रहा है, अनार खा रहा है, सेब खा रहा है, तो गांव में कहाँ मिलते हैं सर? कोई रिश्तेदार आ गया कोई, तो तभी तो फ्रूट्स लेके आता है। तो वो चीजें अगर आपको, छोटी छोटी चीजें, यू हैव टू मॉनिटर 24 आवर्स, आपको फोकस करना पड़ेगा सर। आपकी हैबिट्स क्या है, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आपका डेली दिनचर्या कैसी है, वही चीज आपको डिसाइड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ ऑडिट, सेल्फ ऑडिट। सेल्फ ऑडिट। ये मतलब मुझे लगता है सर, सेल्फ ऑडिट होना चाहिए। हम जैसे मार्केट में जाते हैं, तो वी डू बजटिंग ऑफ एवरीथिंग कि भैया 500 रुपए हैं, 500 रुपए जाके इतने की दाल लानी है, इतने की चावल लाने, इतने का ये लाना है, तो हर चीज हम लाके घर वालों को हिसाब देते हैं पैसे का। बट वाई वी आर नॉट डूइंग द ऑडिट ऑफ आर टाइम 24 आवर्स? अगर बिस्तर में जाने से पहले अगर हम सोचें भाई सुबह मैं 4 बजे उठा था, सुबह 4 बजे उठने से लेके मैंने क्या क्या चीजें की हैं, कहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया है, तो सेल्फ ऑडिट तो आपको होगा सर। आप करोगे, हिसाब किताब करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो, है ना सर। अगेन सोशल मीडिया जिस पे आप बोलते रहते हो, है ना सर, बोलना बहुत आसान है, बोलने से कुछ होना नहीं है सर, ठीक है, इसको आपको बंद करना ही पड़ेगा। संडे और सैटरडे आपको बंद करो, सबसे लंबा दिन बनाओ, ठीक है। सैटरडे एंड संडे शुड बी योर लॉन्गेस्ट, यू नो लॉन्गेस्ट आई डे ऑफ कीप द वीक। टेलिंग दिस लॉन्गेस्ट हाँ डे। सर बिल्कुल, सबसे लंबा होना चाहिए सर। आप 4 बजे उठो, बिकॉज आपके लिए देर इज यू नो नो ऑफिशियल एंगेजमेंट प्लान फॉर यू ऑन सैटरडे एंड संडेज। आपके ऑफिस से आप बंद हो, ठीक है, जिसका ऑफिस मतलब 5 डेज वीक रहता है उसके लिए अलग है, जिसका 6 डेज वीक है, संडे शुड बी लॉन्गेस्ट डे। आप बिल्कुल। संडे, बाकी दिन अगर आप 5 बजे उठते हो तो चलेगा, संडे को तो आपको 4 बजे उठना चाहिए सर, एंड लेट सोना चाहिए लेट सोना चाहिए। तो अपने बिकॉज आप अगेन यू आर को। गोइंग टू अगेन यू आर गोइंग टू कम इन दैट लूप कि आपको ऑफिस जाना है, हो जाना है, उसमें आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो नहीं वही है सर, बिल्कुल सही सेल्फ कह रहे हो आप। ऑडिट। तो ये सब हाँ चीजें सर, अगर करो मतलब एंड शिद्दत से काम करो, है ना? इसके अलावा सर, मतलब जो गांव के बच्चे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर फैमिली सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बिकॉज अभी उनका एज 17 ईयर्स है, 18 ईयर्स है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं जिनकी एज अभी 54 56 हो गई, वो बेचारे सारी उम्र तक काम थोड़ी करेंगे सर। सो दे हैव टू टेक चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिलीज। जितना जल्दी वो करेंगे, उतना जल्दी उनके लिए अच्छा रहेगा। वो तभी रहेगा जब आप छोटी छोटी सर्कमस्टांसिस को आप वो करोगे कि भाई मेरे फादर बेचारा खेती करते हैं, ये काम कब तक चलेगा। और एक बार अगर आपने आपकी जो मेजर लाइबिलिटीज हैं सर, वो आपने अगर आपकी क्लियर कर ली, उसके बाद में यू कैन टेक चूज इन योर लाइफ, जो आपको जितना बड़ा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, जो भी करना है। बट पहले जो आपकी बेसिक लाइबिलिटीज है, आपका आपका घर बन जाए, आपकी शादी हो जाए, आपकी बहन की शादी हो जाए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी वो पूरी हो जाए, उसके बाद में यू आर फ्री टू टेक एनी यू नो बिग डिसीजन इन लाइफ। आई नो। तो नहीं, बच्चे बहुत, गांव के बच्चे। ये बताओ मुझे कि ये तो ठीक है, अभी तो इंटरनेट के थ्रू मेरे ऐसे लोग हैं उनको फॉलो करके, अगर नहीं भी अखबार आता हम तो सुबह एनालाइज कर देते हैं 3 अखबार। मैं तो सारे आर्टिकल टेलीग्राम पे, 18 19 हजार बच्चे हैं, 20 हजार हाँ होने सर, वाले, सारे आर्टिकल 12 बजे तक इनके पास हाईलाइटेड भेज देता हूँ। ई राइट लाइब्रेरी सर, कैसे बनानी है, ई लाइब्रेरी अपनी अपनी कैसे सर बनानी। हम तो बहुत बच्चों को सहूलियत दे रहे जो आपके पास नहीं थी। अब भी अगर कोई सर ना करे, इसका मतलब आप में पैशन की कमी है यस सर राइट सर, अभी ना? मार्केट में चीजें बहुत मतलब है ना, आपको ऐसे अवेलेबल हैं, मतलब परोसी जा रही चीजें। पहले हाँ। चीजें होती नहीं थी, आपको ढूंढनी पड़ती थी, अब आपके पास चीजें, आपको उनमें से प्रायोरिटाइज करना है, आपको कौन सी लेनी है। वही ऑडिट ऑफ टाइम। हाँ वही ऑडिट ऑफ टाइम, वो आपको तभी पता लगेगा सर। आप बिस्तर में जाने जाने से पहले आप एक बार सोचोगे ना, भाई मैंने मेरा टाइम वेस्ट कहाँ पे किया है, इस टाइम को मैं कहाँ पे इफेक्टिवली यूज कर सकता था। वो जब आप खुद से बात नहीं करोगे तो होने वाला नहीं है सर। एंड इन ए वीक और महीने में एटलीस्ट 2 3 बार आप यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक, लॉन्ग साइकिलिंग, खुद अकेले के साथ में। यू शुड एनालाइज, यू शुड विजुअलाइज योर लाइफ। अभी सर मतलब पिछले 2012 से लेके 2023 इज गोइंग टू एन एंड, तो मेरी जिंदगी सर
जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ उस हिसाब से चल रही है, और मैंने प्लान कर रखा है नेक्स्ट 20 ईयर्स अच्छा तो कैसे थोड़ा जिंदगी चल रही है, पहले कैसे देख लो, जिंदगी। पहले तो बताओ देवदत्त शर्मा का भी क्या प्लान है आपका, शादी का क्या प्लान है, लाइफ का क्या प्लान है अगले? शादी वगैरह भी कर लेंगे सर, शादी ये पर्सनल चीजें हैं, शादी वगैरह हो जाएगी। अभी तो मेन चीज सर, अभी एक और मैं मतलब रनिंग एक्सपीडिशन प्लान कर रहा हूँ, 365 फुल मैराथन, 365 डेज। 365 फुल मैराथन्स पूरे हाँ साल सर, हर रोज, कवरिंग एंटायर कंट्री। सो दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ, दैट इज आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो मे सो बी नॉट नाउ, मे बी अगेन आफ्टर थ्रू द 2 या 3 ईयर। नेवी, तो दिस विल बी अगेन थ्रू हाँ, नेवी। विल ट्राई फ्रॉम सर्विस एंड ओनली सर, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आउटकम क्या रहता है उसके हिसाब से। तो दैट इज द मेन एम सर, मतलब विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ लाइक आई डिड विजुलाइज। 80, यस सर, आई डिड 82 कंसेक्यूटिव फुल मैराथन्स। तो आई वाज नॉट अवेयर, पीपल जनरली स्टार्टेड कॉलिंग मी यू आर सुपर ह्यूमन, तो आई टोल्ड कि भाई एवरीबॉडी इज सुपर ह्यूमन, आई हैव रियलाइज इट, यू कैन ऑल्सो, आई हैव एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ इट। तो आप भी कर सकते हो ये चीज, तो है ना जब सर। हाँ आप वो बुक बता रहे थे ना, तो मेरे पास ये बुक, मुझे मैंने बहुत सर, ये बुक, हाँ पहले, सर, मैंने हाँ पढ़ी, यस सर, ये अमेजिंग बुक सर, मैंने बहुत पहले पीडीएफ में कहीं, बट मुझे ये यूएस गया था तो लाइब्रेरी में मिल गई, मैंने सबसे पहले किताब खरीदी है अच्छी बुक है सर, बहुत अच्छी बुक है सर। ना, बॉर्न टू हाँ रन। सर, ह्यूमन इज बॉर्न टू रन, अगर राइट सर, राइट। तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना, रनिंग इज जस्ट अ अफ्रीकन, मेटाफर। हाँ सर, अफ्रीकन कंट्रीज में सर उनका क्या होता था कि वो जैसे इंसान जितना लंबा भाग सकता था, जानवर नहीं भाग सकता उतना, तो ये लोग क्या करते थे, जानवर के पीछे भाग भाग के उसको थकाते थे, जब वो थक के रुक जाता था तब उसका शिकार करते थे। तो वही इस बुक में लिखा है सर, उसी के चीजें अराउंड चीजें घूम रही हैं। तो अभी लाइक आई डोंट नो सर वेदर आई विल बी एबल टू डू 365 और 365 मैराथन और नॉट, मुझे नहीं पता, बट आई एम विजुलाइजिंग इट एवरी डे, आई एम यू नो कीपिंग माय माइंड अलर्ट कि भाई मुझे ये चीज करनी है। तो सेम थिंग हैपेंड, हाँ सर, एंड फाइनली इट इज द गेम ऑफ द माइंड एंड नॉट माइंड अबाउट द, ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, बिकॉज जब मैं मेरे 5वें दिन में था सर, व्हेन आई वाज डूइंग 1500 किलोमीटर रनिंग एक्सपीडिशन, उसके टाइम पे मेरे लेफ्ट नी में कुछ इशू हो गया था, पेनिंग बैडली, शूज के इतना बड़ा हो गया था सर ये, तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। एज ए टीम लीडर, आई वॉज टीम लीडर, तो जो मेरे को दर्द होता था मैं मेरे बच्चों को बता नहीं सकता, जो बाकी लोग हैं बोले भाई टीम लीडर ढीला पड़ गया, तो अभी तो आगे कहानी मुश्किल है। सो दर्द पी पी के सर, मतलब ये घुटना मैं भाई तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, देर इज नो ऑप्शन, ठीक है, अगर तू निकल भी जाएगा मुझे कंप्लीट करना है। सो 3 4 दिन तो इसने मेरे को दर्द में रखा सर, उसके बाद में दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता, अभी तक तो आया नहीं है सर ये। हाँ बाय गॉड, अमेजिंग, सर, यस सर, दिस इज रियली रियली हाँ। अमेजिंग। सो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, लाइक जैसे आप कहीं जा रहे हो तो यू हैव टू यू नो स्टार्ट थिंकिंग योर माइंड, भाई जिंदगी कैसे चल रही है, अगले 2 साल कैसे रहेंगे, तो उसमें क्या सर आपके जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रांग हो जाती है, उसमें नहीं आप किसी इसमें, दूसरे, हाँ हाँ सर, आप इसपे मैं दूसरे कई की बार थॉट बात को, करता हूँ, पावर ऑफ राइट सर, विजुलाइजेशन। अगर तुम फिल्म यस सर, एक्ट्रेस की फोटो अपने कमरे में लगाओगे और क्रिकेट प्लेयरों की पूजा करोगे तो तुम कहीं के नहीं हो। तो हाँ पावर सर, ऑफ विजुलाइजेशन, सोचो कि अगर मिलिट्री लीडर बनना है तो मिलिट्री की राइट सर, विजुलाइज कर, यस सर, इसका इमेजिन मैं, योर हाँ सेल्फ इन सर, यूनिफॉर्म। राइट सर, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, माइकल फेलिप्स है ना सर, हाँ सो उसका उसकी मैंने उनकी बुक पढ़ी थी सर, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब वो ओलंपिक में 200 मीटर्स में फ्री स्टाइल में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बिस्तर में जाने से, मतलब बिस्तर जाने से पहले वो विजुलाइज कर रहे थे कि भाई अगर स्विमिंग करते करते मेरे गोगल में अगर पानी घुस गया तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, है ना सर। वो रेयर मोमेंट है, आएगा भी नहीं आएगा मतलब पता नहीं है, बट इन 200 मीटर फ्री स्टाइल ये चीज उनके साथ में हुई, उनके गोगल में पानी गया, देन मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि ड्यू टू माई विजुअलाइजेशन स्किल आई वॉज एबल टू ओवरकम दिस थिंग। या नो आई हर्ड दिस हाँ एंड द सर, ग्रेटेस्ट एथलीट प्रॉब्ली द वर्ल्ड हैज सीन, माइकल ये सर फेल्प्स। सबके सब जानते हैं सर। तो 365 मैराथन करनी है, उसके अलावा आपके जिंदगी में और क्या लक्ष्य आगे देवदत्त, व्हाट ऑल डू यू वांट टू अचीव? सर अचीवमेंट तो मेरे को पैसा नहीं कमाना सर, लोगों का ऐसे होता है कि मेरे को सर, माय मोटिव इज टू नो गिव गाइडेंस टू यंगस्टर्स, दैट इज, मैं एजुकेशन वाले फील्ड में रहूंगा सर, बच्चों को, बच्चों के साथ मिलकर रहूंगा, दैट इज माय होल दिस थिंग व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 20 30 इयर्स, तो फिर बच्चों के साथ रहने का तो सर। यू आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग लाइक व्हाट आई एम डूइंग, काइंड ऑफ सर, चेंजिंग काइंड ऑफ मे बी, मे बी सम पैटर्न, हाँ सर, सम वे यस सर, चेंजिंग लाइफ्स ऑफ पीपल। हाँ वही है सर, मेन मोटिव वही है, बिकॉज जो हाँ मुझे पाना था वो मैंने पा लिया सर, ठीक हाँ है। तो अभी
बाकी लोग जो कर नहीं पाते, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास गाइडेंस की कमी है, बहुत सारे लोग हैं सर, अगर मैं कर सकता तो बाकी भी कर सकते हैं, बट उनको चाहिए गाइडेंस, उनको चाहिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक वो बनके हम बच्चों की थोड़ी जिंदगी में सुधार लेके आएंगे। जीने के लिए तो सर आपको थोड़ा ही चाहिए, जीने के लिए आपको ज्यादा नहीं चाहिए, तो उतना तो अपना काम चल जाएगा सर। तो ये बहुत जबरदस्त बात है देवदत्त, एंड थैंक्स टू नेवी कि सर उन्होंने आपको एकेडमी में भेजा, जो एक क्रेडल होता है लीडरशिप का, वहाँ ऐसे ऐसे ऑफिसर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए, होती है, सर कि भाई कैडेट्स हमेशा पूरी जिंदगी विजुलाइज करते हैं, जैसे हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त थे वैसे हमने ही बनना है। तो यू आर सर इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑल्सो। सर हाँ सर, बच्चे बेसिकली अगर आप आज के टाइम पे किसी को मोटिवेट करना चाहोगे, किसी को बताना चाहोगे, सबसे पहले वो पूछते, भाई जो तुम बता रहे हो ये तो किसी ने और ने कहा है, तुमने क्या किया है लाइफ में, व्हाट एल्स हैव यू डन, आपने तो कुछ किया ही नहीं, एक दूसरी पढ़े की पढ़ाई बता रहे, चीजें बता रहे हो। तो माई मोटिव इज डू थिंग्स, सेट अप योर पर्सनल एग्जाम्पल, देन मोटिवेट अदर्स। इट हैज टू और बी उसके माय लिए पर्सनल एग्जांपल। हाँ सर, लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, वो माई कॉन्सेप्ट इज दैट। और बच्चे अच्छा लगता है सर, बच्चों को बहुत, बच्चे जो स्लो अकेडमी तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट बाकी लोगों से भी मिलते हैं, जो लोग कभी पहले भागते नहीं थे, वो स्टार्टेड रनिंग। एक एक मुझे मिले थे सर, 50 ईयर्स की उनकी एज थी, वो लाइफ में कभी नहीं भागे, ही डिड 21 किलोमीटर लास्ट मंथ। ग्रेट, हाँ सर एब्सोल्युटली ग्रेट। तो देवदत्त, इट्स सच अ प्लेजर, तुम, हम गुआंडी भाई भी हैं, हाँ बास सर बिल्कुल कर्बला ज्यादा दूर नहीं है, और राइट सर मेरे लिए बड़ी ओनली प्राउड मोमेंट है कि सर हमारी धरती से इतने मोटिवेटेड, इतने इंस्पायर्ड लोग हैं, बहुत है, सारे ही हैं। मौके की बात है, आपने उसको यूज किया, अपॉर्चुनिटी को हमने यूज किया, तो आज हम सर इस बोलने के लायक हैं। सर बट अपॉर्चुनिटी, बहुत सर से अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है सर, एवरीबॉडी बराबर। हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आपको कोई घर से उठाने नहीं आएगा, यू हैव टू गो एंड ग्रैब इट, दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। और अब बहुत हिडन डायमंड अभी हैं वहां, हाँ सर बहुत है सर, बहुत है, बहुत बस है, उनको तराशना है, तराशना है सर, तराशने का काम हम करेंगे तराशने का हम करेंगे। तो अब तो बिल्कुल मैं जोजू कला भी गया था, अब मैंने सर मुद्दा उठाया ये चरखी दादरी के इलाके में हम सर एजुकेशन में काम करने वाले हैं, और सर बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल और गांव के गवर्नमेंट कॉलेज जहां सबसे सर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, वहां से हमने लड़कियों को ऑफिसर बनाना है, ये सर इस चीज पर। और अभी मैं भी गांव देहात में बहुत ट्रैवल करने वाला हूँ, जहां से भी सर होगा, और गांव देहात के सर बच्चों को, जेसीओ जवान के बच्चों को, किसान के बच्चों को, दुकानदारों के बच्चों को, डेली लेबर के बच्चों को हमने ऑफिसर रैंक तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य वही बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सेम है पिंच सर, यस सर, ये होगा सर, ना। हम कोई भी करता है, डीएनए डीएनए का कोई फर्क नहीं है, लीडरशिप कोई भी कोई भी सीख सीख सकता सकता सर। है ना। हाँ बिल्कुल सैम एलेक्सो सर ने कहा, आप मेरे को एक एवरेज माइंडसेट वाला बंदा दे दो, ठीक है, तो उसको लीडर तो हम बना देंगे, हाँ, बेसिक स्किल्स वाला हमने बंदा तो लीडर बना हमने देंगे काम किया देवदत्त आरआर में, इधर उधर सर। जो यूनिट्स के, जिनको यूनिट चाहती थी उनको वहां पोस्ट करते थे, हमने उनको हीरो बना दिया एक एक राइट एक। सर राइट हाँ, सो वी वर एबल टू यस कन्वर्ट यू यस नो राइट अननोन पीपल डिड एक्सट्रॉर्डनरी थिंग्स, एक्सट्रॉर्डनरी। सर राइट सर यस तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव, लास्ट मैसेज टू द यंग, एनीथिंग जो आपके दिमाग में है, कुछ कहना चाहते हो? सर पहले ही चीज तो अगेन आई विल रिपीट व्हाट एवर आई हैव सेड कि सेल्फ ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस अगेन इट शुड बी यू नो पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच डिनर करते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर करिकुलम, विदाउट एनी यू नो विदाउट स्किप यू शुड यू नो टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज अभी आज के दिनों में सर जो भी खाना हम खा रहे हैं दैट इज अडल्ट्रेटेड खाना है, मिलावट का खाना है, तो योर इम्यून सिस्टम हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट माइट हैपन दैट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एसएसबी, आपको आपको बुखार होगा, बीमार हो गए, तो आप इस सारी मेहनत पानी में चले जाएगी, है ना सर। एंड डोंट गो अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुसीबतों से मत भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली, अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसिस, से प्यार करते तो भारत में रहने बिल्कुल वाले नागरिक से भी धन्यवाद प्यार करो, ना बिल्कुल सर, एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर इरेस्पेक्टिव ऑफ यंगस्टर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, राइट है सर ना। तो बहुत सर आ, आ, एंड बड़े दिनों से हमारी चाहना थी आपसे बात करने की देवदत्त, सर एट रियली लास्ट ग्रेट। सर एट लास्ट यू शुड नो एंजॉय द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, आज के टाइम पे दो तरह के लोग मिलेंगे सर आपको, एक तो लोग मिलेंगे लेजी सुस्त लोग मिलेंगे, मेहनत नहीं करते और वो
वो दबे मेहनत करते हैं और फिर चाहते हैं, और उनको फिर भी ये रहता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क एंड स्ट्रगल, जितना तुम इसके अंदर जाओगे वही तुम चमकोगे, बिल्कुल और जितना लंबा वही है ना सर, जितना लंबा स्ट्रगल है उतना ही मतलब सफलता बहुत अच्छी है अच्छी और लगती वो मिलेगी सर। मिलेगी। हाँ गिव अप नहीं मारना है, बट चीजें मिल जाएंगी सर, मिले सफलता मिल जाएगी। हाँ यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस से, आपकी ट्रेनिंग से, आपकी रेगुलर हैबिट से, उनसे वो आएगा सर, और गिव एंड उस गिव पे योर आपको सेल्फ काम करना है टाइम, टाइम। जैसे आपने टाइम कई एग्जैक्टली साल तैयारी यस की। सर, मेरा भी एक बिल्कुल सर, लड़का ओटीए में है, मुझे हर संडे कॉल करता है वहां से, झज्जर के सर पास का, सागर राठी। सर वो 2 साल से मेरे साथ जुड़ा था, उसको परमानेंट जॉब लगी, इंस्पेक्टर की एक्स ग्रुप में गया नहीं, और बिल्कुल सर मार्जिनल किसान का बच्चा, कहता जाऊंगा तो अफसर ही जाऊंगा। एंड सर फाइनली कॉलेज में प्लेसमेंट होती थी सर, मैं बैठता ही नहीं था सर कॉलेज में। हमारे टीचर्स बोलते थे, भाई तू तो पागल है, प्लेसमेंट हो रही है बाहर, प्लेसमेंट नहीं सर, मुझे जाना ही नहीं, जिस रास्ते मुझे जाना ही नहीं, मैं वहां पे उस साइड में मुंह मैं क्यों करूँ सर। उसका रास्ता क्यों पूछना है, जिस हाँ गांव जाने नहीं पूछने वहां मेरे का को, राह क्यों पूछना। मेरे को जाना ही नहीं सर उधर, है ना। तो अगेन सर दैट यूज टू हैपन कि जब किसी कॉलेज में, मत हमारे कॉलेज में कंपनीज वगैरह वाले आते थे, सो दे टोल्ड कि वी विल टेक योर मॉक इंटरव्यू, सो मुझे वहां पे बैठाते थे सर और बाकी बच्चे बैठते थे, तो मैं खुशी खुशी देता था जस्ट टू चेक कि भाई हाँ मतलब तुम सही दिशा में हो कि नहीं हो। सो वो तो हम करते ही थे सर, 200 200 300 300 मॉक इंटरव्यूज। वेरी सो गुड, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड योर यू नो ट्रू डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स योर गोल्स। एब्सोल्युटली। यस सो देवदत्त, रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू, एंड सर, सेम आई है, सेम एम प्लेजर। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग कनेक्टेड विद अ यंग डायनेमिक सर्विंग ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी लाइक यू। वेरी प्राउड ऑफ यू, रियली सर वेरी थैंक यू प्राउड। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।